हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के ऊपर बातचीत करने वाले उसका नाम है कोलाई कोलाई का मीनिंग होता है मर्डर ये एक तमिल लैंग्वेज फिल्म थी जिसको तेलुगू में साथ ही में थिएटर में रिलीज किया हुआ था फिल्म का हिंदी डब वर्जन पहले साथ ही में थिएटर में रिलीज होने वाला था एक पेन इंडिया फिल्म थी लेकिन लेटर ऑन बाद में चीज़ें चेंज हो चुकी थी तो ये सभी जो वर्जन है वो कैसे कहाँ पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेंगे उसके ऊपर बातचीत करेंगे फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर डिटेलिंग मिलेगी फिल्म का एक डे प्रिव्यू किया जाएगा जहाँ पर मैं इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके देने वाला हूँ फिल्म की स्टार का सपोर्टिंग परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत करेंगे म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी मिलने वाली है फिल्म से जुड़े जितने भी जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, है वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है अंत तक जरूर बने रहिएगा तो आज का वीडियो करते हैं कोलाई जो दो की एक तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है कोलाई का मीनिंग होता है मर्डर इस फिल्म को तेलुगु और हिंदी दोनों वर्जन में हत्या नाम दिया हुआ है ये एक पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में तमिल तेलुगु वर्जन में ही रिलीज किया हुआ था फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बालाजी के कुमार ने जिन्होंने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरन ये सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है इससे पहले उन्होंने मून करके एक 2013 में फिल्म बनाई थी उससे पहले नाइन लाइव्स ऑफ मारा करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने 2007 में वो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी उसके बाद में 2013 में तेरह में तमिल वर्जन फिल्म है बनाई थी दस साल के बाद वो इस फिल्म को बनाए जहाँ पे बालाजी के कुमार ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था विजय एंटनी रितिका सिंह मीनाक्षी चौधरी फिल्म के लीड रोल में थे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी शिव कुमार विज्ञान ने की हुई थी एडिटिंग आर के सेलवा ने की हुई थी जहां पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे छह मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि फिल्म आपको एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिरीश जी ने काम किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म का जो म्यूजिक है जिसको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला हुआ था वैसे फिल्म का जो म्यूजिक है वो जो फिल्म का टाइटल है उसके हिसाब से परफेक्ट सेट किया हुआ था जहाँ पे कोलाई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों फिल्म्स के हिसाब से शूटेबल नज़र आए थे जहाँ पे इस कोलाई फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे थिंक म्यूजिक इंडिया वालों ने वैसे सारे गवा तमिल के ऊपर भी इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स बेचे गए थे जिन्होंने एक दो गाने उन्होंने रिलीज किए थे वहीं पर एक दो गाने वो थे वो सारे गाने अभी रिलीज़ किए थे लेकिन ऑफिशियल जो राइट्स थे वो थे आ, सारे गा के थिंक म्यूजिक के पास तो फिल्म के थिंक म्यूजिक के पास राइट्स थे गानों के जहाँ पे फिल्म में टोटल करीबन पाँच गाने थे अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनी फिल्म वेंचर और लोटस पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में आपको विजय एंटनी देखने को मिलेंगे जिन्होंने विनायकन का रोल प्ले किया हुआ है रितिका सिंह ने संध्या महामोहन राज का रोल प्ले किया हुआ था मीनाक्षी चौधरी को लीला बोरकार का रोल दिया गया था राधिका शरद कुमार ने रेखा का रोल प्ले किया हुआ है राजीव श्रेष्ठा ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ था मुरली शर्मा ने आदित्य कौशिक का रोल प्ले किया हुआ था सिद्धार्थ शंकर ने सतीश का रोल प्ले किया हुआ था जॉन विजय मंसूर अली खान का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे अर्जुन चिदम्बरम ने इस फिल्म में अर्जुन वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है आनंद को इस फिल्म में डीसीपी तिलक वर्मा का रोल दिया गया था यमुना चिन्ना दुराई ने इस फिल्म में विनायक की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिव कुमार ने इस फिल्म में कांस्टेबल मारूडू का रोल प्ले किया हुआ है शर्मिला थापा ने इस फिल्म में मेकाला का रोल प्ले किया हुआ है एम आर किशोर कुमार ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है अमृत कलाम ने बलराम का रोल प्ले किया हुआ है ममाथी चारी ने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोताची को यामिनी का रोल दिया गया था तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है

सेट किया हुआ है डायरेक्टर के मुताबिक ये फिल्म जो एन अदर लाइफ है उसमें जो 2001 में फिल्म बनाई थी उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में बात करें तो थिंक म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट थे फिल्म के गानों को कंपोज गिरीश जी ने ही किया हुआ था फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसके म्यूजिक के राइट थिंक म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइज में खरीदे हुए थे दो में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो पहला गाना नीरु कुमिल्लो जिसको लिखा हुआ था कार्तिक नेता ने म्यूजिक दिया हुआ था आ, इस गिरीश जी ने और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था यारनी गाने को गिरीश जी ने लिखा था उन्होंने ही म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपाल लन और एम एस कृष्णा ने उसको गाया हुआ था नेसम मरुमा गाने को मोहन राजन ने गाया हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन ने गाया हुआ था केलवी मातुम थग्गुदेग ने इस फिल्म में कबीर कौसुक ने लिरिक्स लिखे थे इस गाने के लिए प्रदीप कुमार ने उसको गाया हुआ था पार्थन एय बगम इलायो करके जो गाना था उसको कनन दसन ने लिखा हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था टोटल पाँच सिंगल से फिल्म में जिसकी लेंथ इक्कीस मिनट छः सेकंड जिसको दो रिकॉर्ड किया था 2023 में थिंक म्यूजिक के द्वारा सभी गाने वीडियो फॉर्मेट में रिलीज किए गए थे तो फिल्म के सभी गाने ऑफिशियली थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो हत्या या ले लो कोलाई फिल्म ये फ़िल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में, में सेट की हुई है जहाँ पे लेला यानि कि मीनाक्षी चौधरी एक प्रोफेशनल मॉडल है जिसको मार दिया जाता है उसके ही फ्लैट में तो अपने ही फ्लैट में मीनाक्षी चौधरी यानी कि लेला का एक मर्डर हो जाता है जो एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे इस मिस्टीरियस डेथ के बाद सभी लोग आ, शौक हो जाते और उसका जब वो डेट हुई थी मिस्त्री तो उसका लॉक था वो अंदर से जो उसका फ्लैट था उसका जो मकान का दरवाज़ा था घर का घर को अंदर से लॉक किया हुआ था तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है वो लोगों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था संध्या मोहन राज जो रितिका सिंह रोल प्ले कर रही है वो एक आई ऑफिसर है जहाँ पर वो केस हाथ में लेती है और उसके बाद में वो एक का मास्टर की मदद लेते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम है विनायक विजय एंटोनी वो रोल प्ले करे तो उनकी मदद लेते हुए उन उनकी भी मदद लेते हुए इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत स्टार्ट करती है विनायक इनिशियली ये सभी चीज़ों को करने के लिए डिसएग्री होता है लेकिन लेटर ऑन बाद में उस संध्या को और संध्या लेटर उन उसको मना लेती है और किसी तरह वो इस मर्डर मिस्ट्री को क्रेक करने के लिए उसके साथ टीम में शामिल कर लेती है उसके बाद में संध्या और विनायक धीरे धीरे बबलू के ऊपर डाउट करने लगते जो किशोर कुमार रोल प्ले कर रहे हैं कि वो वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लीला के मैनेजर है तो उनके ऊपर उनको डाउट हो रहा था कि इसने कुछ किया है उसके बाद में सतीश को दिखाया जाता है जो रोल सिद्धार्थ शंकर प्ले कर रहे जो लीला के बॉयफ्रेंड का रोल था अब उसके बाद में अर्जुन वासुदेवन को भी दिखाया जाता है जो रोल प्ले कर अर्जुन चिदम्बरम जो एक रिनोड फोटोग्राफर थे क्योंकि लीला का मॉडल थी तो उनके साथ भी वो कनेक्टेड थे आदित्य कौशिक को दिखाया आदित्य कौशिक नाम का किरदार दिखाया जाता है वो रोल मुरली शर्मा प्ले कर रहे जो एक मॉडलिंग एक, कंपनी के वो काम करते वो एजेंट का काम करते मॉडलिंग कंपनी में तो वो भी इस तरह कनेक्टेड थे तो अब इनमें से कोई ने मारा है या कोई और है तो ये कि लीला को आखिर में मारा क्यों है किसने ये सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है हत्या या कोलाई एक पूरी तरह से डिफरेंट फिल्म वाली फिल्म है फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो भी काफ़ी डिफरेंट नजर आएगा इससे पहले कई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म आपने देखी होगी रिसेंट टाइम में जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से उससे डिफरेंट नज़र आती है क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से सभी चीज़ें पोर्ट्रे किए हुए जिस तरह से ये कोलाइया हो हो हत्या फिल्म का जो दुनिया हमारे सामने पेश किए हुए वो पूरी तरह से यूनिक स्टाइल के साथ पेश करवाई गई है पेश किए हुए तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट करते हुए नज़र आते हैं सिनेमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी फैंटास्टिक लेवल के सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के क्राइम थ्रिलर फिल्म आपने कहीं देखी होगी लेकिन ये फिल्म वहाँ पे एक फ्रेश फीलिंग देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी के चलते विजय एंटनी का एक प्राइवेट डिटेक्टिव में एज रोल का प्ले करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है उन्होंने सोल्ट और पेपर टाइप के हेयर स्टाइल का लुक रखा हुआ था जिसको उनके ऊपर काफ़ी नेचुरल रह लग रहा था और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से सबल परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हुए नज़र आते विजय एंटनी ने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से जिस तरह से जो प्रिजाइली सभी चीज़ों को जिस तरह से डिमांड थी उस तरह डिलीवर किया हुआ है डायलॉग डिलीवरी उनकी जिस तरह की थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस जो एक फाइनल ट्विस्ट आखिर में रिवील होता है वो भी मैग्नीफिशेंट था तो वे सभी चीज़ें वो इसके के थ्रू विजय इंटरनेट को भी निभाई हुई है कुछ इन्वेस्टिगेशन पोर्शन थे जहाँ पे वो सभी चीज़ें काफ़ी डिटेलिंग के साथ शोकेस की हुई थी जहाँ पे खास करके जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है फिंगर्स वाला तो वहाँ पे चार सस्पेक्ट रहते और उसमें जिस तरह से चीज़ें फिल्म में ट्विस्ट के तौर पे बाद में दिखाई जाती है जिस तरह से चीज़ें बाद में सामने निकल के आते वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म में काफ़ी बढ़िया तरीके से उनका यूज़ किया हुआ है उनके किरदार का यूज़ किया हुआ है जिस तरह से एंटायर फिल्म की कहानी उनके आसपास घूमती रहती है जहाँ पे उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक पोइट्रिक टच उनके किरदार को दिया गया था रितिका सिंह ने इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया विजय एंटनी के साथ तो वो रोल भी उनका काफ़ी बढ़िया था एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं हाँ इस फिल्म की पे से वो थोड़ी स्लो नजर आ सकती है जिसके चलते सभी चीज़ें थोड़े समय के बाद आपको इरीटेट कर सकती है इनिशियली जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के वक्त लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन फोर्स स्टार्ट होता है चीज़ें धीरे धीरे वे वाकई स्लो हो जाती है बहुत बहुत ज्यादा एडिटिंग थी वो फिल्म की बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको अगर चॉपअप कर देते तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था इनिशियल पार्ट में का खास करके सेकंड हाफ के जो इनिशियल पार्ट में चीज़ें डाइवर्जन के तौर पे दिखाई गए मेन स्टोरी से हट के थोड़ा दिखाने की कोशिश की हुई थोड़े फैमिली सीन्स से विजय एंटनी के किरदार के, के रिलेटेड दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के ऊपर से फोकस हटाती हुई नजर आते डायरेक्टर ने जिस तरह से फैमिली इमोशंस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की हुई थी तो वहाँ पर वो फ्लॉट <laughs> प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रहा था चीज़ें हटानी चाहिए थी उसको नहीं रखते तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प हो सकती थी मुरली शर्मा राधिका शारद कुमार जैसे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते है फिल्म में लेकिन उनका स्क्रीन टाइम भी कम था रोल भी उतने कुछ खास थे नहीं उन्होंने उनका एज एक्टर के तौर पर डायरेक्टर ने प्रॉपर वे में फिल्म वेस्ट किया हुआ है इसके अलावा मुरली शर्मा जिस तरह से उनका जो काम था अगर वो थोड़ा बेहतर वे में उस करदार को डाल देते चीजें और बेहतर हो सकती थी टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गोपालन जिन्होंने फिल्म का बे गोपाल कृष्णन जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था जहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका विजयम सुनने को मिलता है वो बढ़िया है स्टाइल में जो म्यूजिक का, का काम किया हुआ है कुछ सीन्स में वो काफ़ी अच्छा नजर आता है सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विजयन ने किए हुए जिनकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ सिनेमेटो की, की उतनी कम है जिस तरह से दिखाया चीज़ें वो काफ़ी बढ़िया है आर्ट डायरेक्टर्स की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का एक स्पेशल अप्रोज डिजर्व करता है जिस तरह से आर्ट वर्क ने को मिलता है कंप्लीटली एक नया टच देता हुआ नजर आता है फिल्म को जिसके चलते फिल्म पूरी दूसरी जो थ्रिलर फिल्म है क्राइम फिल्म है उससे डिफरेंट सी है। होती हुई नजर आए थे वेफ एक्स फिल्म का थोड़ा बेटर हो सकता था थोड़ा बहुत जो वेफ एक्स यूज़ किया है उसको और बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू नीट थी फिल्म की एडिटिंग थी वो फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स थे जिसको हटाया जा सकता था डायरेक्टर बालाजी के कुमार ने फिल्म के साथ एक ठीक ठाक काम किया हुआ है उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन पोशंस को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था अननेसेसरी फैमिली ड्रामा सेकंड हाफ में जिस तरह से डायल्यूट करने के जो प्रोसेस उन्होंने एड की हुई थी वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ देती है ओवरऑल ये फिल्म देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ दिखाए भले सवा दो घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस से चलती हुई ऐसा नजर आता है कुछ डिसेंट सीन्स भी देखने को मिलती है लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं रह पाता है क्योंकि फिल्म काफ़ी अल्ट्रा स्लो नजर आती है कुल मिला के बात करें तो हत्या एक स्लो पेस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से विजय एंटनी के परफॉर्मेंस और उनके किरदार के ऊपर डिपेंड करती है कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन्स से उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया था लेकिन स्लो पेस नरेशन उन सभी चीज़ों को स्पॉइल करता हुआ नजर आता है प्लॉट में जिस तरह से एक डिविएसन देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली खास करके सेकंड हाफ में अनवॉन्टेड फैमिली इमोशंस वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ती है अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो कुछ ही इन्वेस्टिगेशन सीन्स है क्राइमिक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो और एक विजय एंटनी की परफॉर्म के वजह से देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो हत्या फिल्म या कहे कोलाई फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया गया था तमिल तेलुगु दो वर्ज़न में इनिशियली ये पे पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में चीज़ें चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में ही बाद में रिलीज़ करने का फैसला लिया जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्ज़न था वो 21 जुलाई दो को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस को इस फिल्म में एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतनी कुछ खास वर्क नहीं कर पाई जिसको आई एम पे करीबन पाँच वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो अमेजोन प्राइम विडियो के पास थे तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के दुगल स्टूडियोज वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को हत्या नाम के साथ डब करवाया हुआ है और ये फिल्म अभी फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने है, तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर कोलाई और हत्या नाम के साथ तमिल तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको आने वाले समय में हत्या नाम के साथ सेटेलाइट चैनल के ऊपर

फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बालाजी के कुमार ने जिन्होंने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है इससे पहले उन्होंने मून करके एक 2013 में फिल्म बनाई थी उससे पहले नाइन लाइव्स ऑफ मारा करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने 2007 में वो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी उसके बाद में 2013 में तेरह मन तमिल वर्जन फिल्म बताया बनाई थी दस साल के बाद वो इस फिल्म को बनाए जहाँ पे बालाजी के कुमार ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था विजय एंटनी रितिका सिंह मीनाक्षी चौधरी फिल्म के लीड रोल में थे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विज्ञान ने की हुई थी एडिटिंग आर के सेलवा ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे छह मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि फिल्म आपको एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिरीश जी ने काम किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म का जो म्यूजिक है जिसका जिसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वैसे फिल्म का जो म्यूजिक है वो जो फिल्म का टाइटल है उसके हिसाब से परफेक्ट सेट किया हुआ था जहाँ पे कोलाई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों फिल्म के हिसाब से शूटेबल नजर आए थे जहाँ पे इस कोलाई फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे थिंक म्यूजिक इंडिया वालों ने वैसे सारे गामा तमिल के ऊपर भी इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स बेचे गए थे जिन्होंने एक दो गाने उन्होंने रिलीज किए थे वहीं पर एक दो गाने वो थे और सारे गामा ने भी रिलीज किए थे लेकिन ऑफिशियल जो राइट्स थे वो थे आ, सारे गामा के थिंक म्यूजिक के पास तो फिल्म के थिंक म्यूजिक के पास राइट्स थे गानों के जहाँ पे फिल्म में टोटल करीबन पांच गाने थे अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनी फिल्म्स वेंचर और लोटस पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में आपको विजय एंटनी देखने को मिलेंगे जिन्होंने विनायकन का रोल प्ले किया हुआ है रितिका सिंह ने संध्या महामोहन राज का रोल प्ले किया हुआ था मीनाक्षी चौधरी को लीला बोरकार का रोल दिया गया था राधिका शरद कुमार ने रेखा का रोल प्ले किया हुआ है श्रेष्ठा ने बबलू का रोल प्ले किया था मुरली शर्मा ने आदित्य कौशिक का रोल प्ले किया हुआ था सिद्धार्थ शंकर ने सतीश का रोल प्ले किया हुआ था जॉन विजय मंसूर अली खान का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे अर्जुन चिदम्बरम ने इस फिल्म में अर्जुन वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है आनंद को इस फिल्म में डीसीपी तिलक वर्मा का रोल दिया गया था यमुना चिन्ना दुराई ने इस फिल्म में विनायक की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिव कुमार ने इस फिल्म में कांस्टेबल मारूडू का रोल प्ले किया हुआ है शर्मिला थापा ने इस फिल्म में मेकाला का रोल प्ले किया हुआ है एम आर किशोर कुमार ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है अमृत कलाम ने बलराम का रोल प्ले किया हुआ है ममाथी चारी ने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोताची को यामिनी का रोल दिया गया था तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है You know is my important role play. किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो शुरुआत 2018 में की गई थी जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की जो शुरुआत थी वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की हुई थी वहाँ पे ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में स्टार्ट हुई थी ये फिल्म की कहानी है। कुछ ट्रू इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर होकर बेस्ड होकर बनाई गई है जहाँ पे एडिथ थोम्सन और ब्रेडफ्रिक बाय वाटर्स के जो न्यूयॉर्क में घटना घटी थी उनके साथ नाइनटीन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट किया हुआ है डायरेक्टर के मुताबिक ये Okay. पलम्स रेट जो इनोदर लाइफ है उसमें जो 2001 में फिल्म बनाई थी उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बात करें तो थिंक म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे फिल्म के गानों को कंपोज गिरिश जी ने ही किया हुआ था फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसके म्यूजिक के राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे 2021 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें गानों की तो पहला गाना नीरु कुमिल लो जिसको लिखा हुआ था कार्तिक नेता ने म्यूज़िक दिया हुआ था आ, इस गिरीश जी ने और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था यार ने गाने को गिरीश जी ने लिखा था उन्होंने ही म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपाल लन और एम एस कृष्णा ने उसको गाया हुआ था नेसम मरुमा गाने को मोहन राजन ने गाया हुआ था इस गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन ने गाया हुआ था केलवी मातुम थगोदेक ने इस फिल्म में कबीर कौसुकी ने लिरिक्स लिखे थे इस गाने के लिए प्रदीप कुमार ने उसको गाया हुआ था पार्थन नय बगम इलायो करके जो गाना था उसको कनन्त सन ने लिखा हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था ती टोटल पाँच सिंगल से फिल्म में जिसकी लेंथ इक्कीस मिनट छः सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया था दो में थिंक म्यूजिक के द्वारा ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए गए थे तो फिल्म के सभी गाने ऑफिशियली थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो हत्या या ले लो कोलाई फिल्म ये फ़िल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में, में सेट की हुई है जहाँ पे लेला यानी कि मीनाक्षी चौधरी एक प्रोफेशनल मॉडल है जिसको मार दिया जाता है उसके ही फ्लैट में तो अपने ही फ्लैट में मीनाक्षी चौधरी यानी कि लेला का एक मर्डर हो जाता है जो एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे इस मिस्टीरियस डेथ के बाद सभी लोग आ, शोक हो जाते और उसका जब वो डेट हुई थी मिस्त्री तो उसका लोक था वो अंदर से जो उसका फ्लैट था उसका जो मकान का दरवाज़ा था घर का घर को अंदर से लॉक किया हुआ था तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है वो लोगों को अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था संध्या मोहन राज जो रितिका सिंह रोल प्ले कर रही है वो एक आईपीएस ऑफिसर है जहाँ पे वो केस हाथ में लेती है और उसके बाद में वो एक मास्टर की मदद लेते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम है विनायक विजय एंटोनी वो रोल प्ले करे तो उनकी मदद लेते हुए उन उनकी भी मदद लेते हुए इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत स्टार्ट करते विनायक इनिशियली ये सभी चीज़ों को करने के लिए डिसएग्री होता है लेकिन लेटर ऑन बाद में उस संध्या को और संध्या लेटर उन उसको मना लेती है और किसी तरह वो इस मर्डर मिस्ट्री को क्रेक करने के लिए उसके साथ टीम में शामिल कर लेती है उसके बाद में संध्या और विनायक धीरे धीरे बबलू के ऊपर डाउट करने लगते जो किशोर कुमार रोल प्ले कर रहे कि वो वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लीला के मैनेजर है तो उनके ऊपर उनको डाउट हो रहा था कि इसने कुछ किया है उसके बाद में सतीश को दिखाया जाता है जो रोल सिद्धार्थ शंकर प्ले कर रहे जो लीला के बॉयफ्रेंड का रोल था अब उसके बाद में अर्जुन वासुदेवन को भी दिखाया जाता है जो रोल प्ले कर अर्जुन चिदम्बरम जो एक रिनोड फोटोग्राफर थे क्योंकि लीला का मॉडल थी तो उनके साथ भी वो कनेक्टेड थे आदित्य कौशिक को दिखाया आदित्य कौशिक नाम का किरदार दिखाया जाता है वो रोल मुरली शर्मा प्ले रहे जो एक, एक मॉडलिंग कंपनी के काम करते वो एजेंट का काम करते मॉडलिंग कंपनी में तो वो भी इस तरह कनेक्टेड थे तो अब इनमें से कोई ये ने मारा है या कोई और है तो ये कि लेला को आखिर में मारा क्यों है किसने ये सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है हत्या या कोलाई एक पूरी तरह से डिफरेंट फिल्म वाली फिल्म है फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो भी काफी डिफरेंट नजर आएगा इससे पहले कई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म आपने देखी होगी रिसेंट टाइम में जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से उससे डिफरेंट नज़र आती है क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से सभी चीज़ें पोर्ट्रेट की हुई जिस तरह से ये कोलाइया हो हो हत्या फिल्म का जो दुनिया हमारे सामने पेश किए हुए वो पूरी तरह से यूनिक स्टाइल के साथ पेश करवाई गई है पेश किए हुई है तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट करते हुए नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी फैंटास्टिक लेवल की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के क्राइम थ्रिलर फिल्म आपने कहीं देखी होगी लेकिन ये फिल्म वहाँ पे एक फ्रेश फीलिंग देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी के चलते विजय एंटनी का एक प्राइवेट डिटेक्टिव में एज रोल का प्ले करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है उन्होंने सोल्ट और पेपर टाइप के हेयर स्टाइल का लुक रखा हुआ था जिसको उनके ऊपर काफ़ी नेचुरल रह लग रहा था और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से सबल परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हुए नज़र आते विजय एंटनी ने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से जिस तरह से जो प्रिजाइजली सभी चीज़ों को जिस तरह से डिमांड थी उस तरह डिलीवर किया हुआ है डायलॉग डिलीवरी उनकी जिस तरह की थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस जो एक फाइनल ट्विस्ट आखिर में रिवील होता है वो भी मैग्नीफिशेंट था तो वे सभी चीज़ें वो इसके

आसपास घूमती रहती है जहाँ पर उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक पोइट्रिक टच उनके किरदार को दिया गया था रितिका सिंह ने इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ विजय एंटनी के साथ तो वो रोल भी उनका काफ़ी बढ़िया था एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ इस फिल्म की पे से वो थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है जिसके चलते सभी चीज़ें थोड़े समय के बाद आपको इरीटेट कर सकती है इनिशियली जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के वक्त लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन फोर्स स्टार्ट होता है चीज़ें धीरे धीरे वे वाकई स्लो हो जाती बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी वो फिल्म की बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको अगर अप कर देते तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था इनिशियल पार्ट में का खास करके सेकंड हाफ के जो इनिशियल पार्ट में चीज़ें डाइवर्जन के तौर पे दिखाई गए मेन स्टोरी से हट के थोड़ा दिखाने की कोशिश की हुई थोड़े फैमिली सीन्स विजय एंटनी के किरदार के, के रिलेटेड दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के ऊपर से फोकस हटाती हुई नजर आते डायरेक्टर ने जिस तरह से फैमिली इमोशंस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की हुई थी तो वहाँ पे वो फ्लोट फ्लॉट <laughs> प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रहा था चीज़ें हटानी चाहिए थी उसको नहीं रखते तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प हो सकती थी मुरली शर्मा राधिका शारद कुमार जैसे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते है। फिल्म में लेकिन उनका स्क्रीन टाइम भी कम था रोल भी उतने कुछ खास थे नहीं उन्होंने उनका एज एक्टर के तौर पर डायरेक्टर ने प्रॉपर वे में फिल्म में वेस्ट किया हुआ है इसके अलावा मुरली शर्मा जिस तरह से उनका जो काम था अगर वो थोड़ा बेहतर वे में उस करदार को डाल देते चीज़ें और बेहतर हो सकती थी टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गोपालन जिन्होंने फिल्म का बे गोपाल कृष्णन जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था जहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका विजयम सुनने को मिलता है वो बढ़िया है रेस्ट्रो स्टाइल में जो म्यूजिक का काम किया हुआ है कुछ सीन्स में वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विजयन ने किए हुए जिनकी सिनेमेटोग्राफी की, की तारीफ की उतनी कम है जिस तरह से दिखाया चीज़ें वो काफ़ी बढ़िया है आर्ट डायरेक्टर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का एक स्पेशल अप्रोज डिजर्व करता है जिस तरह से आर्ट वर्क देख को मिलता है कंप्लीटली एक नया टच देता हुआ नजर आता है फिल्म को जिसके चलते फिल्म पूरी दूसरी जो थ्रिलर फिल्म है क्राइम फिल्म है उससे डिफरेंट सी है होती हुई नजर आते वे एक्स फिल्म का थोड़ा बेटर हो सकता था थोड़ा बहुत जो वेफ एक्स यूज़ किया है उसको और बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू नीट थी फिल्म की एडिटिंग थी वो फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स थे जिसको हटाया जा सकता था डायरेक्टर बालाजी के कुमार ने फिल्म के साथ एक ठीक ठाक काम किया हुआ है उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन पोशंस को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था अननेसेसरी फैमिली ड्रामा सेकंड हाफ में जिस तरह से डायल्यूट करने के जो प्रोसेस उन्होंने एड की हुई थी वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ देती है ओवरऑल ये फिल्म देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ दिखाए भले सवा दो घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस से चलती हुई ऐसा नज़र आता है कुछ डिसेंट सीन्स भी देखने को मिलती है लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं रह पाता है क्योंकि फिल्म काफ़ी अल्ट्रा स्लो नजर आती है कुल मिला बात करें तो हत्या एक स्लो पेस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर ये फिल्म पूरी तरह से विजय एंटनी के परफॉर्मेंस और उनके किरदार के ऊपर डिपेंड करते कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन्स से उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया था लेकिन स्लो पेस नरेशन उन सभी चीज़ों को स्पॉइल करता हुआ नजर आता है प्लॉट में जिस तरह से एक डिविएशन देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली खास करके सेकंड हाफ में अनवॉन्टेड फैमिली इमोशंस वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ती है अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो कुछ ही इन्वेस्टिगेशन सीन्स है क्राइमिक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो और एक विजय एंटनी की परफॉर्म वजह से देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो हत्या फिल्म या कहे कोलाई फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया गया था तमिल तेलुगु दो वर्ज़न में इनिशियली पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में चीज़ें चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में ही बाद में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस को इस फिल्म में एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतनी कुछ खास वर्क नहीं कर पाई जिसको आई एम पे करीबन पाँच वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो अमेजोन प्राइम विडियो के पास थे तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के दुगल स्टूडियोज वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को हत्या नाम के साथ डब करवाया हुआ है और ये फिल्म अभी फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने है, तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर कोलाई और हत्या नाम के साथ तमिल तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको आने वाले समय में हत्या नाम के साथ सेटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल

फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बालाजी के कुमार ने जिन्होंने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है इससे पहले उन्होंने विद्योमून करके एक 2013 में फिल्म बनाई थी उससे पहले नाइन लाइव्स ऑफ मारा करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने 2007 में वो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी उसके बाद में 2013 हज़ार तेरह में विद्युमन तमिल वर्जन फिल्म बताया बनाई थी दस साल के बाद वो इस फिल्म को बनाए जहाँ पे बालाजी के कुमार ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था विजय एंटनी रितिका सिंह मीनाक्षी चौधरी फिल्म के लीड रोल में थे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विज्ञान ने की हुई थी एडिटिंग आर के सेलवा ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे छह मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि फिल्म आपको एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिरीश जी ने काम किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म का जो म्यूजिक है, जिसक, जिसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वैसे फिल्म का जो म्यूजिक है वो जो फिल्म का टाइटल है उसके हिसाब से परफेक्ट सेट किया हुआ था जहाँ पे कोलाई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों फिल्म के हिसाब से शूटेबल नजर आए थे जहाँ पे इस कोलाई फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे थिंक म्यूज़िक इंडिया वालों ने वैसे सारे गामा तमिल के ऊपर भी इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स बेचे गए थे जिन्होंने एक दो गाने उन्होंने रिलीज़ किए थे वहीं पे एक दो गाने वो थे वो सारे गामा ने भी रिलीज़ किए थे लेकिन ऑफिशियल जो राइट्स थे वो थे आ, सारे गामा के थिंक म्यूज़िक के पास तो फिल्म के थिंक म्यूज़िक के पास राइट्स थे गानों के जहाँ पे फिल्म में टोटल करीबन पांच गाने थे अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनी फिल्म्स वेंचर और लोटस पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में आपको विजय एंटनी देखने को मिलेंगे जिन्होंने विनायकन का रोल प्ले किया हुआ है रितिका सिंह ने संध्या महामोहन राज का रोल प्ले किया हुआ था मीनाक्षी चौधरी को लीला बोरकार का रोल दिया गया था राधिका शरद कुमार ने रेखा का रोल प्ले किया हुआ है श्रेष्ठा ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ था शर्मा ने आदित्य कौशिक का रोल प्ले किया हुआ था सिद्धार्थ शंकर ने सतीश का रोल प्ले किया हुआ था जोन विजय मंसूर अली खान का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे अर्जुन चिदम्बरम ने इस फिल्म में अर्जुन वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है आनंद को इस फिल्म में डीसीपी तिलक वर्मा का रोल दिया गया था यमुना चिन्नाधुरा इन इस फिल्म में विनायक की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवक कुमार ने इस फिल्म में कांस्टेबल मारूडू का रोल प्ले किया हुआ है शर्मिला थापा ने इस फिल्म में मेकाला का रोल प्ले किया हुआ है एम आर किशोर कुमार ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है अमृत कलाम ने बलराम का रोल प्ले किया हुआ है ममाथी चारी ने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोताची को यामिनी का रोल दिया गया था तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है juno is my important role play किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो शुरुआत 2018 में की गई थी जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की जो शुरुआत थी वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की हुई थी वहाँ पे ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में स्टार्ट हुई थी ये फिल्म की कहानी है। कुछ ट्रू इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर होकर बेस्ड होकर बनाई गई है जहाँ पे एडिथ थॉम्पसन और ब्रेडफ्रिक बाई वॉटर्स के जो न्यूयॉर्क में घटना घटी थी उनके साथ नाइनटीन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट गट किया हुआ है डायरेक्टर के मुताबिक ये जो इनोदर लाइफ है उसमें जो 2001 में फिल्म बनाई थी उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बात करें तो थिंक म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे फिल्म के गानों को कंपोज गिरिश जी ने ही किया हुआ था फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसके म्यूजिक के राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे दो में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो पहला गाना नीरु लो जिसको लिखा हुआ था कार्तिक नेता ने, ने म्यूजिक दिया हुआ था आ, इस गिरीश जी ने और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था यारनी गाने को गिरीश जी ने लिखा था उन्होंने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन और एम एस कृष्णा ने उसको गाया हुआ था नेसम मरुमा गाने को मोहन राजन ने गाया हुआ था इस गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन ने गाया हुआ था केलवी मातुम थग्गुद्देग ने इस फिल्म में कबीर कौसुकी ने लिरिक्स लिखे थे इस गाने के लिए प्रदीप कुमार ने उसको गाया हुआ था पार्थ नय बगम इलायो करके जो गाना था उसको कनंद सन ने लिखा हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था ती तो टोटल पाँच सिंगल्स से फिल्म में जिसकी लेंथ इक्कीस मिनट छः सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया था दो में थिंक म्यूजिक के द्वारा ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किए गए थे तो फिल्म के सभी गाने ऑफिशियली थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो हत्या या ले लो कोलाई फिल्म ये फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट की हुई है जहाँ पे लेला यानी कि मीनाक्षी चौधरी एक प्रोफेशनल मॉडल है जिसको मार दिया जाता है उसके ही फ्लैट में तो अपने ही फ्लैट में मीनाक्षी चौधरी यानी कि लेला का एक मर्डर हो जाता है जो एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे इस मिस्टीरियस डेथ के बाद सभी लोग आ, आ, शोक हो जाते और उसका जब वो डेट हुई थी मिस्त्री तो उसका लोक था वो अंदर से जो उसका फ्लैट था उसका जो मकान का दरवाज़ा था घर का घर को अंदर से लॉक किया हुआ था तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है वो लोगों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था संध्या मोहन राज जो ऋतिका सिंह रोल प्ले कर रही है वो एक आईपीएस ऑफिसर है जहाँ पे वो केस हाथ में लेती है और उसके बाद में वो एक मास्टर की मदद लेते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम है विनायक विजय एंटोनी वो रोल प्ले करे तो उनकी मदद लेते हुए उन उनकी भी मदद लेते हुए इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत स्टार्ट करते हैं विनायक इनिशियली ये सभी चीज़ जो को करने के लिए डिसएग्री होता है लेकिन लेटर ऑन बाद में उस संध्या को और संध्या वो लेटर उन उसको मना लेती है और किसी तरह वो इस मर्डर मिस्ट्री को क्रेक करने के लिए उसके साथ टीम में शामिल कर लेती है उसके बाद में संध्या और विनायक धीरे धीरे बबलू के ऊपर डाउट करने लगते जो किशोर कुमार रोल प्ले कर रहे हैं कि वो वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लीला के मैनेजर है तो उनके ऊपर उनको डाउट हो रहा था कि इसने कुछ किया है उसके बाद में सतीश को दिखाया जाता है जो रोल सिद्धार्थ शंकर प्ले कर रहे हैं जो लीला के बॉयफ्रेंड का रोल था अब उसके बाद में अर्जुन वासुदेवन को भी दिखाया जाता है जो रोल प्ले कर अर्जुन चिदम्बरम जो एक रिनोड फोटोग्राफर थे क्योंकि लीला का मॉडल थी तो उनके साथ भी वो कनेक्टेड थे आदित्य कौशिक को दिखाया आदित्य कौशिक नाम का किरदार दिखाया जाता है वो रोल मुरली शर्मा प्ले कर रहे जो एक, एक मॉडलिंग कंपनी के काम करते वो एजेंट का काम करते मॉडलिंग कंपनी में तो वो भी इस तरह कनेक्टेड थे तो अब इनमें से कोई ने मारा है या कोई और है तो ये कि लीला को आखिर में मारा क्यों है किसने ये सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है हत्या या कोलाई एक पूरी तरह से डिफरेंट फिल वाली फिल्म है फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा इससे पहले कई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म आपने देखी होगी रिसेंट टाइम में जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से उससे डिफरेंट नज़र आती है क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से सभी चीज़ें पोर्ट्रेट की हुए जिस तरह से ये कोलाइया हो हो हत्या फिल्म का जो दुनिया हमारे सामने पेश किए हुए वो पूरी तरह से यूनिक स्टाइल के साथ पेश करवाई गई है पेश किए हुए तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट करते हुए नज़र आते हैं सिनेमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी फैंटास्टिक लेवल की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के क्राइम थ्रिलर फिल्म आपने कहीं देखी होगी लेकिन ये फिल्म वहाँ पर एक फ्रेश फीलिंग देती हुई नजर आती है सिनेमेटोग्राफी के चलते विजय एंटनी का एक प्राइवेट डिटेक्टिव में एज रोल का प्ले करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आता है उन्होंने शोल्ट और पेपर टाइप के हेयर स्टाइल का लुक रखा हुआ था जिसको उनके ऊपर काफ़ी नेचुरल रह लग रहा था और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से सबल परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हुए नज़र आते विजय एंटनी ने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से जिस तरह से जो प्रिजाइजली सभी चीज़ों को जिस तरह से डिमांड थी उस तरह डिलीवर किया हुआ है डायलॉग डिलीवरी उनकी जिस तरह की थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस जो एक फाइनल ट्विस्ट आखिर में रिवील होता है वो भी मैग्नीफिशेंट था तो वो सभी चीज़ें वो इसके

आसपास घूमती रहती है जहाँ पर उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक पोइट्रिक टच उनके किरदार को दिया गया था रितिका सिंह ने इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ विजय एंटनी के साथ तो वो रोल भी उनका काफ़ी बढ़िया था एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ इस फिल्म की पेय से वो थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है जिसके चलते सभी चीज़ें थोड़े समय के बाद आपको इरीटेट कर सकती है इनिशियली जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के वक्त लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन फोर्स स्टार्ट होता है चीज़ें धीरे धीरे वे वाकई स्लो हो जाती बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी वो फिल्म की बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको अगर चॉप अप कर देते तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था इनिशियल पार्ट में का खास करके सेकंड हाफ के जो इनिशियल पार्ट में चीज़ें डाइवर्जन के तौर पे दिखाई गए मेन स्टोरी से हटके थोड़ा दिखाने की कोशिश की हुई थोड़े फैमिली सीन्स विजय एंटनी के किरदार के, के, के रिलेटेड दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के ऊपर से फोकस हटाती हुई नज़र आते डायरेक्टर ने जिस तरह से फैमिली इमोशंस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की हुई थी तो वहाँ पे वो फ्लोट फ्लॉट <laughs> प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रहा था चीज़ें हटानी चाहिए थी उसको नहीं रखते तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प हो सकती थी मुरली शर्मा राधिका शारद कुमार जैसे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते है। फिल्म में लेकिन उनका स्क्रीन टाइम भी कम था रोल भी उतने कुछ खास थे नहीं उन्होंने उनका एज एक्टर के तौर पर डायरेक्टर ने प्रॉपर वे में फिल्म में वेस्ट किया हुआ है इसके अलावा मुरली शर्मा जिस तरह से उनका जो काम था अगर वो थोड़ा बेहतर वे में उस करदार को डाल देते चीज़ें और बेहतर हो सकती थी टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गोपालन जिन्होंने फिल्म का बे गोपाल कृष्णन जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था जहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका विजयम सुनने को मिलता है वो बढ़िया है रेस्ट्रो स्टाइल में जो म्यूजिक का, का काम किया हुआ है कुछ सीन्स में वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विजय ने किए हुए जिनकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ़ सिनेमेटो की, की उतनी कम है जिस तरह से दिखाया चीज़ें वो काफ़ी बढ़िया है आर्ट डायरेक्टर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का एक स्पेशल अप्रोज डिजर्व करता है जिस तरह से आर्ट वर्क देख को मिलता है कंप्लीटली एक नया टच देता हुआ नजर आता है फिल्म को जिसके चलते फिल्म पूरी दूसरी जो थ्रिलर फिल्म है क्राइम फिल्म है उससे डिफरेंट है होती हुई नजर आते वेफ एक्स फिल्म का थोड़ा बेटर हो सकता था थोड़ा बहुत जो वेफ यूज़ किया है उसको और बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू नीट थी फिल्म की एडिटिंग थी वो फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स थे जिसको हटाया जा सकता था डायरेक्टर बालाजी के कुमार ने फिल्म के साथ एक ठीक ठाक काम किया हुआ है उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन पोशंस को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था अननेसेसरी फैमिली ड्रामा सेकंड हाफ में जिस तरह से डायलूट करने के जो प्रोसेस उन्होंने एड की हुई थी वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ देती है ओवरऑल ये फिल्म देखा जाए तो स, स, काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ देखा है भले ही सवा दो दो घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस से चलती हुई ऐसा नज़र आता है कुछ डिसेंट सीन्स भी देखने को मिलती है लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं रह पाता है क्योंकि फिल्म काफ़ी अल्ट्रा स्लो नजर आती है कुल मिला बात करें तो हत्या एक स्लो पेस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से विजय एंटनी के परफॉर्मेंस और उनके किरदार के ऊपर डिपेंड करती है कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन्स से उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया था लेकिन स्लो पेस नरेशन उन सभी चीज़ों को स्पॉइल करता हुआ नजर आता है प्लॉट में जिस तरह से एक डेविएशन देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली खास करके सेकंड हाफ में अनवॉन्टेड फैमिली इमोशंस वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ती है अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो कुछ ही इन्वेस्टिगेशन सीन से क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो और एक विजयनी की परफॉर्म वजह से देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो हत्या फिल्म या कहे कोलाई फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया गया था तमिल तेलुगु दो वर्जन में इनिशियली पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में चीज़ें चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में ही बाद में रिलीज़ करने का फैसला लिया जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्ज़न था वो इक्कीस जुलाई दो को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस को इस फिल्म में एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतनी कुछ खास वर्क नहीं कर पाई जिसको आई पे करीबन पाँच वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो अमेजन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के दुगल स्टूडियोज वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को हत्या नाम के साथ डब करवाया हुआ है और ये फिल्म अभी फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर कोलाए और हत्या नाम के साथ तमिल तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको आने वाले समय में हत्या नाम के साथ सेटेट चैनल के ऊपर

फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बालाजी के कुमार ने जिन्होंने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है इससे पहले उन्होंने मून करके एक 2013 में फिल्म बनाई थी उससे पहले नाइन लाइव्स ऑफ मारा करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने 2007 में वो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी उसके बाद में 2013 में मन तमिल वर्जन फिल्म बताया बनाई थी दस साल के बाद वो इस फिल्म को बनाए जहाँ पे बालाजी के कुमार ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था विजय एंटनी रितिका सिंह मीनाक्षी चौधरी फिल्म के लीड रोल में थे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी शिव कुमार विज्ञान ने की हुई थी एडिटिंग आर के सेलवा ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे छः मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि फिल्म आपको एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिरीश जी ने काम किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर Songs दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म का जो म्यूजिक है जिसक, जिसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वैसे फिल्म का जो म्यूजिक है वो जो फिल्म का टाइटल है उसके हिसाब से परफेक्ट सेट किया हुआ था जहाँ पे कोलाई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों फिल्म के हिसाब से शूटेबल नज़र आए थे जहाँ पे इस कोलाई फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे थिंक म्यूज़िक इंडिया वालों ने वैसे सारे गामा तमिल के ऊपर भी इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स बेचे गए थे जिन्होंने एक दो गाने उन्होंने रिलीज़ किए थे वहीं पे एक दो गाने वो थे वो सारे गामा ने भी रिलीज़ किए थे लेकिन ऑफिशियल जो राइट्स थे वो थे आ, सारे गामा के थिंक म्यूजिक के पास तो फिल्म के थिंक म्यूजिक के पास राइट्स थे गानों के जहाँ पे फिल्म में टोटल करीबन पांच गाने थे अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनी फिल्म वेंचर और लोटस पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में आपको विजय एंटनी देखने को मिलेंगे जिन्होंने विनायकन का रोल प्ले किया हुआ है रितिका सिंह ने संध्या महामोहन राज का रोल प्ले किया हुआ था मीनाक्षी चौधरी को लीला बोरकार का रोल दिया गया था राधिका शरद कुमार ने रेखा का रोल प्ले किया हुआ है श्रेष्ठा ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ मुरली शर्मा ने आदित्य कौशिक का रोल प्ले किया हुआ था सिद्धार्थ शंकर ने सतीश का रोल प्ले किया हुआ था जोन विजय मंसूर अली खान का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे अर्जुन चिदम्बरम ने इस फिल्म में अर्जुन वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है आनंद को इस फिल्म में डीसीपी तिलक वर्मा का रोल दिया गया था यमुना चिन्ना दुरा ने इस फिल्म में विनायक की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवक कुमार ने इस फिल्म में कांस्टेबल मारुडू का रोल प्ले किया हुआ है शर्मिला थापा ने इस फिल्म में मेकाला का रोल प्ले किया हुआ है एम आर किशोर कुमार ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है अमृत कलाम ने बलराम का रोल प्ले किया हुआ है ममाथी चारी ने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोताची को यामिनी का रोल दिया गया था तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो शुरुआत 2018 में की गई थी जहां पे पोस्ट प्रोडक्शन की जो शुरुआत थी वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की हुई थी वहां पे ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में स्टार्ट हुई थी ये फिल्म की कहानी है कुछ ट्रू इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर होकर बेस्ड होकर बनाई गई है जहाँ पे एडिथ थॉम्पसन और ब्रेडफ्रिक बाई वॉटर्स के जो न्यूयॉर्क में घटना घटी थी उनके साथ नाइनटीन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट गट किया हुआ है डायरेक्टर के मुताबिक ये Okay. पलम्स जो इनोदर लाइफ है उसमें जो 2001 में फिल्म बनाई थी उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में बात करें तो थिंक म्यूज़िक के पास म्यूज़िक के राइट्स थे फिल्म के गानों को कंपोज गिरिश जी ने ही किया हुआ था फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसके म्यूज़िक के राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे 2021 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें गानों की तो पहला गाना नीरुकमिल लो जिसको लिखा हुआ था कार्तिक नेता ने म्यूज़िक दिया हुआ था आ इस गिरीश जी ने और श्री राम ने गाया हुआ था यार ने गाने को गिरीश जी ने लिखा था उन्होंने ही म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपाल लर्न और एम एस कृष्णा ने उसको गाया हुआ था नेसम मरुमा गाने को मोहन राजन ने गाया हुआ था इस गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन ने गाया हुआ था केलवी मा तुम ने इस फिल्म में कबीर कौसुकी ने लिरिक्स लिखे थे इस गाने के लिए प्रदीप कुमार ने उसको गाया हुआ था पार्थन एय बगम इलायो करके जो गाना था उसको कनंद सन ने लिखा हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था तो ये टोटल पांच सिंगल से फिल्म में जिसकी लेंथ इक्कीस मिनट छः सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया था दो में थिंक म्यूजिक के द्वारा ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए गए थे तो फिल्म के सभी गाने ऑफिशियली थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो हत्या या ले लो कोलाई फ़िल्म ये फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में, में सेट की हुई है जहाँ पे लेला यानी कि मीनाक्षी चौधरी एक प्रोफेशनल मॉडल है जिसको मार दिया जाता है उसके ही फ्लैट में तो अपने ही फ्लैट में मीनाक्षी चौधरी यानी कि लेला का एक मर्डर हो जाता है जो एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे इस मिस्टीरियस डेथ के बाद सभी लोग आ, शौक हो जाते और उसका जब वो डेट हुई थी मिस्त्री तो उसका लोक था वो अंदर से जो उसका फ्लैट था उसका जो मकान का दरवाज़ा था घर का घर को अंदर से लॉक किया हुआ था तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है वो लोगों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था संध्या मोहन राज जो ऋतिका सिंह रोल प्ले कर रही है वो एक आईपीएस ऑफिसर है जहाँ पे वो केस हाथ में लेती है और उसके बाद में वो एक मास्टर की मदद लेते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम है विनायक विजय एंटोनी वो रोल प्ले करे थे उनकी मदद लेते हुए उनकी भी मदद लेते हुए इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत स्टार्ट करते हैं विनायक इनिशियली ये सभी चीज़ को करने के लिए डिसएग्री होता है लेकिन लेटर ऑन बाद में उस संध्या को और संध्या वो लेटर उन उसको मना लेती है और किसी तरह वो इस मर्डर मिस्ट्री को क्रेक करने के लिए उसके साथ टीम में शामिल कर लेती है उसके बाद में संध्या और विनायक धीरे धीरे बबलू के ऊपर डाउट करने लगते जो किशोर कुमार रोल प्ले कर रहे कि वो वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लीला के मैनेजर है तो उनके ऊपर उनको डाउट हो रहा था कि इसने कुछ किया है उसके बाद में सतीश को दिखाया जाता है जो रोल सिद्धार्थ शंकर प्ले कर रहे जो लीला के बॉयफ्रेंड का रोल था अब उसके बाद में अर्जुन वासुदेवन को भी दिखाया जाता है जो रोल प्ले कर अर्जुन चिदम्बरम जो एक रिनोड फोटोग्राफर थे क्योंकि लीला का मॉडल थी तो उनके साथ भी वो कनेक्टेड थे आदित्य कौशिक को दिखाया आदित्य कौशिक नाम का किरदार दिखाया जाता है वो रोल मुरली शर्मा प्ले कर रहे जो एक, एक मॉडलिंग कंपनी के काम करते वो एजेंट का काम करते मॉडलिंग कंपनी में तो वो भी इस तरह कनेक्टेड थे तो अब इनमें से कोई ने मारा है या कोई और है तो ये कि लीला को आखिर में मारा क्यों है किसने ये सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है हत्या या कोलाई एक पूरी तरह से डिफरेंट फिल वाली फिल्म है फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा इससे पहले कई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म आपने देखी होगी रिसेंट टाइम में जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से उससे डिफरेंट नजर आती है क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से सभी चीज़ें पोर्ट्रे की हुई है जिस तरह से ये कोलाइया हो वह हत्या फिल्म का जो दुनिया हमारे सामने पेश किए हुए वो पूरी तरह से यूनिक स्टाइल के साथ पेश करवाई गई है पेश की हुई है तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट करते हुए नजर आते हैं सिनेमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी फैंटास्टिक लेवल की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के क्राइम थ्रिलर फिल्म आपने कहीं देखी होगी लेकिन ये फिल्म वहाँ पे एक फ्रेश फीलिंग देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी के चलते विजय एंटनी का एक प्राइवेट डिटेक्टिव में एज रोल का प्ले करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आता है उन्होंने शोल्ट और पेपर टाइप के हेयर स्टाइल का लुक रखा हुआ था जिसको उनके ऊपर काफ़ी नेचुरल रह लग रहा था और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से सबल परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हुए नजर आते विजय एंटनी ने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से जिस तरह से जो प्रिजाइजली सभी चीज़ों को जिस तरह से डिमांड थी उस तरह डिलीवर किया हुआ है डायलॉग डिलीवरी उनकी जिस तरह की थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस जो एक फाइनल ट्विस्ट आखिर में रिवील होता है वो भी मैग्नीफिशेंट था तो वो सभी चीज़ें वो इसके के थ्रू विजय इंटरने ने बखूबी निभाई हुई है कुछ इन्वेस्टिगेशन पोर्सन थे जहां पे वो सभी चीजें काफी डिटेलिंग के साथ शोकेस की हुई थी जहां पे खास करके जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है फिंगर्स वाला तो वहां पे चार सस्पेक्ट रहते और उसमें जिस तरह से चीजें फिल्म में ट्विस्ट के तौर पे बाद में दिखाई जाती है जिस तरह से चीजें बाद में सामने निकल के आते वो काफी इंटरेस्टिंग था मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से उनका यूज किया हुआ उनके किरदार का यूज किया हुआ है जिस तरह से इंटायर फिल्म की कहानी उनके आसपास घूमती रहती है जहाँ पर उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक पोएटिक टच उनके किरदार को दिया गया था रितिका सिंह ने इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया है विजय एंटनी के साथ तो वो रोल भी उनका काफ़ी बढ़िया था एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं हाँ इस फिल्म की पेस है वो थोड़ी स्लो नजर आ सकती है जिसके चलते सभी चीज़ें थोड़े समय के बाद आपको इरीटेट कर सकती है इनिशियली जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के वक्त लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन फोर्स स्टार्ट होता है चीज़ें धीरे धीरे वे वाकई स्लो हो जाते बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी वो फिल्म की बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको अगर चॉप अप कर देते तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था इनिशियल पार्ट में का खास करके सेकंड हाफ के जो इनिशियल पार्ट में चीज़ें डाइवर्जन के तौर पे दिखाई गए मेन स्टोरी से हट के थोड़ा दिखाने की कोशिश की हुई थोड़े फैमिली सीन्स से विजयनी के किरदार के, के रिलेटेड दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के ऊपर से फोकस हटाती हुई नजर आते डायरेक्टर ने जिस तरह से फैमिली इमोशंस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की हुई थी तो वहाँ पे वो फ्लोट आगे <laughs> प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रहा था चीज़ें हटानी चाहिए थी उसको नहीं रखते तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प हो सकती थी मुरली शर्मा राधिका शारद कुमार जैसे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते है। फिल्म में लेकिन उनका स्क्रीन टाइम भी कम था रोल भी उतने कुछ खास थे नहीं उन्होंने उनका एज एक्टर के तौर पर डायरेक्टर ने प्रॉपर वे में फिल्म में वेस्ट किया हुआ है इसके अलावा मुरली शर्मा का जिस तरह से उनका जो काम था अगर वो थोड़ा बेहतर वे में उस किरदार को डाल देते चीजें और बेहतर हो सकती थी टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गोपालन जिन्होंने फिल्म का बे गोपाल कृष्णन जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था जहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका विजय सुनने को मिलता है वो बढ़िया है रेस्ट्रो स्टाइल में जो म्यूजिक का, का काम किया हुआ है कुछ सीन्स में वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विजयन ने किए हुए जिनकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की उतनी कम है जिस तरह से दिखाई चीज़ें वो काफ़ी बढ़िया है आर्ट डायरेक्टर्स की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का एक स्पेशल अप्रोज डिजर्व करता है जिस तरह से आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं कंप्लीटली एक नया टच देता हुआ नजर आता है फिल्म को जिसके चलते फिल्म पूरी दूसरी जो थ्रिलर फिल्म है क्राइम फिल्म है उससे डिफरेंट होती हुई नजर आते वेफ एक्स फिल्म का थोड़ा बेटर हो सकता था थोड़ा बहुत जो वेफ यूज़ किया है उसको और बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू नीट थी फिल्म की एडिटिंग थी वो फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन थे जिसको हटाया जा सकता था डायरेक्टर बालाजी के कुमार ने फिल्म के साथ एक ठीक ठाक काम किया हुआ है उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन पोशंस को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था अननेसेसरी फैमिली ड्रामा सेकंड हाफ में जिस तरह से डायल्यूट करने के जो प्रोसेस उन्होंने एड की हुई थी वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ देती है ओवरऑल ये फिल्म देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ दिखाई है भले सवा दो घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस से चलती हुई ऐसा नज़र आता है कुछ डिसेंट सीन्स भी देखने को मिलती है लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं रह पाता है क्योंकि फिल्म काफ़ी अल्ट्रा स्लो नज़र आती है कुल मिला के बात करें तो हत्या एक स्लो पेस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से विजय एंटनी के परफॉर्मेंस और उनके किरदार के ऊपर डिपेंड करते कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन्स से उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया था लेकिन स्लो पेस नरेशन उन सभी चीज़ों को स्पॉइल करता हुआ नजर आता है प्लॉट में जिस तरह से एक डेविएशन देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली खास करके सेकंड हाफ में अनवॉन्टेड फैमिली इमोशंस वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ती है अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो कुछ ही इन्वेस्टिगेशन सीन्स है क्राइमिक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो और एक विजय एंटनी की परफॉर्मेंस मस्त के वजह से देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो हत्या फिल्म या कहे कोलाई फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया गया था तमिल तेलुगु दो वर्जन में इनिशियली पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में चीज़ें चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में ही बाद में रिलीज़ करने का फैसला लिया जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्ज़न था वो 21 जुलाई दो को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस को इस फिल्म में एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतनी कुछ खास वर्क नहीं कर पाई जिसको आई पे करीबन पाँच वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो अमेजोन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल और तेलुगू वर्जन के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के दुगल स्टूडियोज वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को हत्या नाम के साथ डब करवाया हुआ है और ये फिल्म अभी फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर कोलाए और हत्या नाम के साथ तमिल तेलुगू वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको आने वाले समय में हत्या नाम के साथ सेटेलाइट चैनल के ऊपर

फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बालाजी के कुमार ने जिन्होंने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरन ये सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है इससे पहले उन्होंने मून करके एक 2013 में फिल्म बनाई थी उससे पहले नाइन लाइव्स ऑफ मारा करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने 2007 में वो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी उसके बाद में 2013 में तेरह मन तमिल वर्जन फिल्म बताया बनाई थी दस साल के बाद वो इस फिल्म को बनाए जहाँ पे बालाजी के कुमार ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था विजय एंटनी रितिका सिंह मीनाक्षी चौधरी फिल्म के लीड रोल में थे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी शिव कुमार विज्ञान ने की हुई थी एडिटिंग आर के सेलवा ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे छह मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि फिल्म आपको एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिरीश जी ने काम किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म का जो म्यूजिक है जिसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वैसे फिल्म का जो म्यूजिक है वो जो फिल्म का टाइटल है उसके हिसाब से परफेक्ट सेट किया हुआ था जहाँ पे कोलाई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों फिल्म के हिसाब से शूटेबल नजर आए थे जहाँ पे इस कोलाई फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे थिंक म्यूज़िक इंडिया वालों ने वैसे सारे गामा तमिल के ऊपर भी इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स बेचे गए थे जिन्होंने एक दो गाने उन्होंने रिलीज़ किए थे वहीं पे एक दो गाने वो थे वो सारे गामा ने भी रिलीज़ किए थे लेकिन ऑफिशियल जो राइट्स थे वो थे आ, सारे गामा के थिंक म्यूज़िक के पास तो फिल्म के थिंक म्यूज़िक के पास राइट्स थे गानों के जहाँ पे फिल्म में टोटल करीबन पांच गाने थे अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनी फिल्म वेंचर और लोटस पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में आपको विजय एंटनी देखने को मिलेंगे जिन्होंने विनायकन का रोल प्ले किया हुआ है रितिका सिंह ने संध्या महामोहन राज का रोल प्ले किया हुआ था मीनाक्षी चौधरी को लीला बोरकार का रोल दिया गया था राधिका शरद कुमार ने रेखा का रोल प्ले किया हुआ है राजीव श्रेष्ठा ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ था मुरली शर्मा ने आदित्य कौशिक का रोल प्ले किया हुआ था सिद्धार्थ शंकर ने सतीश का रोल प्ले किया हुआ था जोन विजय मंसूर अली खान का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे अर्जुन चिदम्बरम ने इस फिल्म में अर्जुन वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है आनंद को इस फिल्म में डीसीपी तिलक वर्मा का रोल दिया गया था यमुना चिन्ना दुराई ने इस फिल्म में विनायक की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवक कुमार ने इस फिल्म में कांस्टेबल मारूडो का रोल प्ले किया हुआ है शर्मिला थापा ने इस फिल्म में मेकाला का रोल प्ले किया हुआ है एम आर किशोर कुमार ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है अमृत कलाम ने बलराम का रोल प्ले किया हुआ है ममाथी चारी ने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोताची को यामिनी का रोल दिया गया था तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट know is my important role play किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो शुरुआत 2018 में की गई थी जहां पे पोस्ट प्रोडक्शन की जो शुरुआत थी वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की हुई थी वहां पे ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में स्टार्ट हुई थी ये फिल्म की कहानी है कुछ ट्रू इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर होकर बेस्ड होकर बनाई गई है जहाँ पे एडिथ थॉम्सन और ब्रेडफ्रिक बाय वॉटर्स के जो न्यूयॉर्क में घटना घटी थी उनके साथ नाइनटीन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट गट किया हुआ है डायरेक्टर के मुताबिक ये जो एनोदर लाइफ है उसमें जो 2001 में फिल्म बनाई थी उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बात करें तो थिंक म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइट्स थे फिल्म के गानों को कंपोज गिरिश जी ने ही किया हुआ था फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसके म्यूजिक के राइट थिंक म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे दो में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो पहला गाना निरुक लो जिसको लिखा हुआ था कार्तिक नेता ने, ने म्यूजिक दिया हुआ था आ, इस गिरीश जी ने और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था यारनी गाने को गिरीश जी ने लिखा था उन्होंने ही म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपाल लन और एम एस कृष्णा ने उसको गाया हुआ था नेसम मरुमा गाने को मोहन राजन ने गाया हुआ था इस गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन ने गाया हुआ था केलवी मातुम थग्गुद ने इस फिल्म में कबीर कौसुकी ने लिरिक्स लिखे थे इस गाने के लिए प्रदीप कुमार ने उसको गाया हुआ था पार्थ नय बगम इलायो करके जो गाना था उसको कनन्द सन ने लिखा हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था ते टोटल पाँच सिंगल से फिल्म में जिसकी लेंथ इक्कीस मिनट छः सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया था दो में थिंक म्यूजिक के द्वारा ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए गए थे तो फिल्म के सभी गाने ऑफिशियली थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो हत्या या ले लो कोलाई फिल्म ये फिल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में, में सेट की हुई है जहाँ पे लेला यानी कि मीनाक्षी चौधरी एक प्रोफेशनल मॉडल है जिसको मार दिया जाता है उसके ही फ्लैट में तो अपने ही फ्लैट में मीनाक्षी चौधरी यानी कि लेला का एक मर्डर हो जाता है जो एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे इस मिस्टीरियस डेथ के बाद सभी लोग आ, शौक हो जाते और उसका जब वो डेट हुई थी मिस्त्री तो उसका लोक था वो अंदर से जो उसका फ्लैट था उसका जो मकान का दरवाज़ा था घर का घर को अंदर से लॉक किया हुआ था तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है वो लोगों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था संध्या मोहन राज जो रितिका सिंह रोल प्ले कर रही है वो एक आईपीएस ऑफिसर है जहाँ पे वो केस हाथ में लेती है और उसके बाद में वो एक मास्टर की मदद लेते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम है विनायक विजय एंटोनी वो रोल प्ले कर करे थे उनकी मदद लेते हुए उन, उनकी भी मदद लेते हुए इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत स्टार्ट करते हैं विनायक इनिशियली ये सभी चीज़ जो को करने के लिए डिसएग्री होता है लेकिन लेटर ऑन बाद में उस संध्या को और संध्या वो लेटर उन उसको मना लेती है और किसी तरह वो इस मर्डर मिस्ट्री को क्रेक करने के लिए उसके साथ टीम में शामिल कर लेती है उसके बाद में संध्या और विनायक धीरे धीरे बबलू के ऊपर डाउट करने लगते जो किशोर कुमार रोल प्ले कर रहे हैं कि वो वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लीला के मैनेजर है तो उनके ऊपर उनको डाउट हो रहा था कि इसने कुछ किया है उसके बाद में सतीश को दिखाया जाता है जो रोल सिद्धार्थ शंकर प्ले कर रहे जो लीला के बॉयफ्रेंड का रोल था अब उसके बाद में अर्जुन वासुदेवन को भी दिखाया जाता है जो रोल प्ले कर अर्जुन चिदम्बरम जो एक रिनोड फोटोग्राफर थे क्योंकि लीला का मॉडल थी तो उनके साथ भी वो कनेक्टेड थे आदित्य कौशिक को दिखाया आदित्य कौशिक नाम का किरदार दिखाया जाता है वो रोल मुरली शर्मा प्ले कर रहे जो एक, एक मॉडलिंग कंपनी के काम करते वो एजेंट का काम करते मॉडलिंग कंपनी में तो वो भी इस तरह कनेक्टेड थे तो अब इनमें से कोई ने मारा है या कोई और है तो ये कि लीला को आखिर में मारा क्यों है किसने ये सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है हत्या या कोलाई एक पूरी तरह से डिफरेंट फिल्म वाली फिल्म है फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा इससे पहले कई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म आपने देखी होगी रिसेंट टाइम में जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से उससे डिफरेंट नजर आती है क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से सभी चीज़ें पोर्ट्रे की हुए जिस तरह से ये कोलाइया हो हो हत्या फिल्म का जो दुनिया हमारे सामने पेश किए हुए वो पूरी तरह से यूनिक स्टाइल के साथ पेश करवाई गई है पेश किए हुए तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट करते हुए नज़र आते हैं सिनेमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी फैंटास्टिक लेवल की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के क्राइम थ्रिलर फिल्म आपने कहीं देखी होगी लेकिन ये फिल्म वहाँ पे एक फ्रेश फीलिंग देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी के चलते विजय एंटनी का एक प्राइवेट डिटेक्टिव में एज रोल का प्ले करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है उन्होंने सोल्ट और पेपर टाइप के हेयर स्टाइल का लुक रखा हुआ था जिसको उनके ऊपर काफ़ी नेचुरल रह लग रहा था और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से सबल परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हुए नजर आते विजय एंटनी ने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से जिस तरह से जो प्रिजाइली सभी चीज़ों को जिस तरह से डिमांड थी उस तरह डिलीवर किया हुआ है डायलॉग डिलीवरी उनकी जिस तरह की थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस जो एक फाइनल ट्विस्ट आखिर में रिवील होता है वो भी मैग्नीफिशेंट था तो वो सभी चीज़ें वो इसके के थ्रू विजय इंटरनेट को भी निभाई हुई है कुछ इन्वेस्टिगेशन पोर्सन थे जहां पे वो सभी काफ़ी के साथ, की हुई थी जहां पे खास करके जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है फिंगर्स वाला तो वहां पे चार सस्पेक्ट रहते और उसमें जिस तरह से चीजें फिल्म में ट्विस्ट के तौर पे बाद में दिखाई जाती है जिस तरह से चीजें बाद में सामने निकल के आते वो काफी इंटरेस्टिंग था मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से उनका यूज किया हुआ उनके किरदार का यूज किया हुआ है जिस तरह से इंटायर फिल्म की कहानी उनके आसपास घूमती रहती है जहाँ पर उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक पोएटिक टच उनके किरदार को दिया गया था रितिका सिंह ने इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया है विजय एंटनी के साथ तो वो रोल भी उनका काफ़ी बढ़िया था एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं हाँ इस फिल्म की पेय से वो थोड़ी स्लो नजर आ सकती है जिसके चलते सभी चीज़ें थोड़े समय के बाद आपको इरीटेट कर सकती है इनिशियली जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के वक्त लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन फोर्स स्टार्ट होता है चीज़ें धीरे धीरे वे वाकई स्लो हो जाती बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी वो फिल्म की बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको अगर चॉपअप कर देते तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था इनिशियल पार्ट में का खास करके सेकंड हाफ के जो इनिशियल पार्ट में चीज़ें डाइवर्जन के तौर पे दिखाई गए मेन स्टोरी से हट के थोड़ा दिखाने की कोशिश की हुई थोड़े फैमिली सीन्स विजय के किरदार के, के, के रिलेटेड दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के ऊपर से फोकस हटाती हुई नजर आते डायरेक्टर ने जिस तरह से फैमिली इमोशंस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की हुई थी तो वहाँ पे वो फ्लोट फ्लॉट <laughs> प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रहा था चीज़ें हटानी चाहिए थी उसको नहीं रखते तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प हो सकती थी मुरली शर्मा और राधिका शारद कुमार जैसे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते है। फिल्म में लेकिन उनका स्क्रीन टाइम भी कम था रोल भी उतने कुछ खास थे नहीं उन्होंने उनका एज एक्टर के तौर पर डायरेक्टर ने प्रॉपर वे में फिल्म में वेस्ट किया हुआ है इसके अलावा मुरली शर्मा जिस तरह से उनका जो काम था अगर वो थोड़ा बेहतर वे में उस किरदार को डाल देते चीजें और बेहतर हो सकती थी टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गोपालन जिन्होंने फिल्म का बे गोपाल कृष्णन जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था जहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका विजय सुनने को मिलता है वो बढ़िया है रेस्ट्रो स्टाइल में जो म्यूजिक का, का काम किया हुआ है कुछ सीन्स में वो काफी अच्छा नजर आता है सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विजयन ने किए हुए जिनकी सिनेमेटोग्राफी की, की तारीफ की उतनी कम है जिस तरह से दिखाया है चीज़ें वो काफ़ी बढ़िया है आर्ट डायरेक्टर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का एक स्पेशल अप्रोज डिजर्व करता है जिस तरह से आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं कंप्लीटली एक नया टच देता हुआ नजर आता है फिल्म को जिसके चलते फिल्म पूरी दूसरी जो थ्रिलर फिल्म है क्राइम फिल्म है उससे डिफरेंट है होती हुई नजर आते वे एक्स फिल्म का थोड़ा बेटर हो सकता था थोड़ा वो जो वेफ एक्स यूज़ किया है उसको और बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू नीट थी फिल्म की एडिटिंग थी वो फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स थे जिसको हटाया जा सकता था डायरेक्टर बालाजी के कुमार ने फिल्म के साथ एक ठीक ठाक काम किया हुआ है उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन पोशंस को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था अननेसेसरी फैमिली ड्रामा सेकंड हाफ में जिस तरह से डायल्यूट करने के जो प्रोसेस उन्होंने एड की हुई थी वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ देती है ओवरऑल ये फिल्म देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ दिखाई हुए भले सवा दो दो घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस से चलती हुई ऐसा नज़र आता है कुछ डिसेंट सीन्स भी देखने को मिलती है लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं रह पाता है क्योंकि फिल्म काफ़ी अल्ट्रा स्लो नज़र आती है कुल मिला बात करें तो हत्या एक स्लो पेस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से विजय एंटनी के परफॉर्मेंस और उनके किरदार के ऊपर डिपेंड करती है कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन्स से उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया था लेकिन स्लो पेस नरेशन उन सभी चीज़ों को स्पॉइल करता हुआ नजर आता है प्लॉट में जिस तरह से एक डेविएशन देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली खास करके सेकंड हाफ में अनवॉन्टेड फैमिली इमोशंस वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ती है अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो कुछ ही इन्वेस्टिगेशन सीन्स है क्राइमिक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो और एक एंटनी की परफॉर्मेंस इसके वजह से देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो हत्या फिल्म या कहे कोलाई फ़िल्म को, को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया गया था तमिल तेलुगु दो वर्ज़न में इनिशियली पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में चीज़ें चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में ही बाद में रिलीज़ करने का फैसला लिया जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्ज़न था वो 21 जुलाई दो को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस को इस फिल्म में एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतनी कुछ खास वर्क नहीं कर पाई जिसको आई पे करीबन पाँच वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो अमेजन प्राइम विडियो के पास थे तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के दुगल स्टूडियोज वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को हत्या नाम के साथ डब करवाया हुआ है और ये फिल्म अभी फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइम विडियो के ऊपर कोलाई और हत्या नाम के साथ तमिल तेलुगु वर्जन में विद इंग्लिश सब टाइटल विद सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको आने वाले समय में हत्या नाम के साथ सेटेलाइट चैनल के ऊपर

फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बालाजी के कुमार ने जिन्होंने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है इससे पहले उन्होंने विद्यु मून करके एक 2013 में फिल्म बनाई थी उससे पहले नाइन लाइव्स ऑफ मारा करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने 2007 में वो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी उसके बाद में 2013 में विद्यु मन तमिल वर्जन फिल्म बनाई थी दस साल के बाद वो इस फिल्म को बनाए जहाँ पे बालाजी के कुमार ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था विजय एंटनी रितिका सिंह मीनाक्षी चौधरी फिल्म के लीड रोल में थे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी शिव कुमार विज्ञान ने की हुई थी एडिटिंग आर के सेलवा ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे छह मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि फिल्म आपको एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिरीश जी ने काम किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सुन दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म का जो म्यूजिक है जिसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वैसे फिल्म का जो म्यूजिक है वो जो फिल्म का टाइटल है उसके हिसाब से परफेक्ट सेट किया हुआ था जहाँ पे कोलाई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों फिल्म के हिसाब से शूटेबल नजर आए थे जहाँ पे इस कोलाई फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे थिंक म्यूज़िक इंडिया वालों ने वैसे सारे गामा तमिल के ऊपर भी इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स बेचे गए थे जिन्होंने एक दो गाने उन्होंने रिलीज़ किए थे वहीं पे एक दो गाने वो थे वो सारे गामा ने भी रिलीज़ किए थे लेकिन ऑफिशियल जो राइट्स थे वो थे आ, सारे गामा के थिंक म्यूज़िक के पास तो फिल्म के थिंक म्यूज़िक के पास राइट्स थे गानों के जहाँ पे फिल्म में टोटल करीबन पांच गाने थे अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनी फिल्म्स वेंचर और लोटस पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में आपको विजय एंटनी देखने को मिलेंगे जिन्होंने विनायकन का रोल प्ले किया हुआ है रितिका सिंह ने संध्या महामोहन राज का रोल प्ले किया हुआ था मीनाक्षी चौधरी को लीला बोरकार का रोल दिया गया था राधिका शरद कुमार ने रेखा का रोल प्ले किया हुआ है श्रेष्ठा ने बबलू का रोल प्ले किया था मुरली शर्मा ने आदित्य कौशिक का रोल प्ले किया था सिद्धार्थ शंकर ने सतीश का रोल प्ले किया था जोन विजय मंसूर अली खान का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे अर्जुन चिदम्बरम ने इस फिल्म में अर्जुन वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है आनंद को इस फिल्म में डीसीपी तिलक वर्मा का रोल दिया गया था यमुना चिन्ना दुराई ने इस फिल्म में विनायक की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिव कुमार ने इस फिल्म में कांस्टेबल मारूडू का रोल प्ले किया हुआ है शर्मिला थापा ने इस फिल्म में मेकाला का रोल प्ले किया हुआ है एम आर किशोर कुमार ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है अमृत कलाम ने बलराम का रोल प्ले किया हुआ है ममाथी चारी ने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोताची को यामिनी का रोल दिया गया था तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट You know, my important role play. किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो शुरुआत 2018 में की गई थी जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की जो शुरुआत थी वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की हुई थी वहाँ पे ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में स्टार्ट हुई थी ये फिल्म की कहानी कुछ ट्रू इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर होकर बेस्ड होकर बनाई गई है जहाँ पे एडिथ थॉम्सन और ब्रेडफ्रिक बाय वाटर्स के जो न्यूयॉर्क में घटना घटी थी उनके साथ नाइनटीन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट गट किया हुआ है डायरेक्टर के मुताबिक ये Okay. फिल्म जो इनोदर लाइफ है उसमें जो 2001 में फिल्म बनाई थी उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बात करें तो थिंक म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइट्स थे फिल्म के गानों को कंपोज गिरिश जी ने ही किया हुआ था फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसके म्यूजिक के राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइज में ख़रीदे हुए थे 2021 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें गानों की तो पहला गाना नीरु कुमिल लो जिसको लिखा हुआ था कार्तिक नेता ने म्यूज़िक दिया हुआ था था आ, इस गिरीश जी ने और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था यार ने गाने को गिरीश जी ने लिखा था उन्होंने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपाल लन और एम एस कृष्णा ने उसको गाया हुआ था नेसम मरुमा गाने को मोहन राजन ने गाया हुआ था इस गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन ने गाया हुआ था केलवी मातुम थगोद ने इस फिल्म में कबीर कौसुक ने लिरिक्स लिखे थे इस गाने के लिए प्रदीप कुमार ने उसको गाया हुआ था पार्थन एय बगम इलायो करके जो गाना था उसको कनन्सन ने लिखा हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था ती टोटल पाँच सिंगल से फिल्म में जिसकी लेंथ इक्कीस मिनट छः सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया था दो में थिंक म्यूजिक के द्वारा ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए गए थे तो फिल्म के सभी गाने ऑफिशियली थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो हत्या या ले लो कोलाई फिल्म ये फ़िल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट की हुई है जहाँ पे लेला यानी कि मीनाक्षी चौधरी एक प्रोफेशनल मॉडल है जिसको मार दिया जाता है उसके ही फ्लैट में तो अपने ही फ्लैट में मीनाक्षी चौधरी यानी कि लेला का एक मर्डर हो जाता है जो एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे इस मिस्टीरियस डेथ के बाद सभी लोग आ, शोक हो जाते और उसका जब वो डेट हुई थी मिस्त्री तो उसका लोक था वो अंदर से जो उसका फ्लैट था उसका जो मकान का दरवाज़ा था घर का घर को अंदर से लॉक किया हुआ था तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है वो लोगों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था संध्या मोहन राज जो ऋतिका सिंह रोल प्ले कर रही है वो एक आईपीएस ऑफिसर है जहाँ पे वो केस हाथ में लेती है और उसके बाद में वो एक मास्टर की मदद लेते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम है विनायक विजय एंटोनी वो रोल प्ले करे थे उनकी मदद लेते हुए उन, उनकी भी मदद लेते हुए इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत स्टार्ट करते हैं विनायक इनिशियली ये सभी चीज़ों को करने के लिए डिसएग्री होता है लेकिन लेटर ऑन बाद में उस संध्या को और संध्या लेटर उन उसको मना लेती है और किसी तरह वो इस मर्डर मिस्ट्री को क्रेक करने के लिए उसके साथ टीम में शामिल कर लेती है उसके बाद में संध्या और विनायक धीरे धीरे बबलू के ऊपर डाउट करने लगते है जो किशोर कुमार रोल प्ले कर रहे हैं कि वो वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लीला के मैनेजर है तो उनके ऊपर उनको डाउट हो रहा था कि इसने कुछ किया है उसके बाद में सतीश को दिखाया जाता है जो रोल सिद्धार्थ शंकर प्ले कर रहे हैं जो लीला के बॉयफ्रेंड का रोल था अब उसके बाद में अर्जुन वासुदेवन को भी दिखाया जाता है जो रोल प्ले कर अर्जुन चिदम्बरम जो एक रिनोड फोटोग्राफर थे क्योंकि लीला का मॉडल थी तो उनके साथ भी वो कनेक्टेड थे आदित्य कौशिक को दिखाया आदित्य कौशिक नाम का किरदार दिखाया जाता है वो रोल मुरली शर्मा प्ले, प्ले कर रहे जो एक, एक मॉडलिंग कंपनी के काम करते वो एजेंट का काम करते मॉडलिंग कंपनी में तो वो भी इस तरह कनेक्टेड थे तो अब इनमें से कोई ने मारा है या कोई और है तो ये कि लीला को आखिर में मारा क्यों है किसने ये सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है हत्या या कोलाई एक पूरी तरह से डिफरेंट फिल्म वाली फिल्म है फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा इससे पहले कई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म आपने देखी होगी रिसेंट टाइम में जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से उससे डिफरेंट नज़र आती है क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से सभी चीज़ें पोर्ट्रे की हुए जिस तरह से ये कोलाइया हो हो हत्या फिल्म का जो दुनिया हमारे सामने पेश किए हुए वो पूरी तरह से यूनिक स्टाइल के साथ पेश करवाई गई है पेश किए हुए तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट करते हुए नजर आते हैं सिनेमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी फैंटास्टिक लेवल के सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के क्राइम थ्रिलर फिल्म आपने कहीं देखी होगी लेकिन ये फिल्म वहाँ पे एक फ्रेश फीलिंग देती हुई नजर आती है सिनेमाटोग्राफी के चलते विजय एंटनी का एक प्राइवेट डिटेक्टिव में एज अ रोल का प्ले करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है उन्होंने सोल्ट और पेपर टाइप के हेयर स्टाइल का लुक रखा हुआ था जिसको उनके ऊपर काफ़ी नेचुरल रह लग रहा था और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से सबल परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हुए नज़र आते विजय एंटनी ने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से जिस तरह से जो प्रिजाइली सभी चीज़ों को जिस तरह से डिमांड थी उस तरह डिलीवर किया हुआ है डायलॉग डिलीवरी उनकी जिस तरह की थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस जो एक फाइनल ट्विस्ट आखिर में रिवील होता है वो भी था तो, था, तो था, वो सभी चीज़ें वो के थ्रू विजय इसदार को भी निभाई हुई है कुछ इन्वेस्टिगेशन पोर्स थे जहाँ पे वो सभी चीज़ें काफी डिटेलिंग के साथ शोकेस की हुई थी जहाँ पे खास करके जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है फिंगर्स वाला तो वहाँ पे चार सस्पेक्ट रहते और उसमें जिस तरह से चीज़ें फिल्म में ट्विस्ट के तौर पे बाद में दिखाई जाती है जिस तरह से चीज़ें बाद में सामने निकल के आते हैं वो काफी इंटरेस्टिंग था मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से उनका यूज किया हुआ उनके किरदार का यूज किया हुआ जिस तरह से फिल्म की कहानी उनके आसपास घूमती रहती है जहाँ पर उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक पोइट्रिक टच उनके किरदार को दिया गया था रितिका सिंह ने इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया विजय एंटनी के साथ तो वो रोल भी उनका काफ़ी बढ़िया था एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ इस फिल्म की पेय से वो थोड़ी स्लो नजर आ सकती है जिसके चलते सभी चीज़ें थोड़े समय के बाद आपको इरीटेट कर सकती है इनिशियली जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के वक्त लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन फोर्स स्टार्ट होता है चीज़ें धीरे धीरे वे वाकई स्लो हो जाती बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी वो फिल्म की बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको अगर चॉप अप कर देते तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था इनिशियल पार्ट में का खास करके सेकंड हाफ के जो इनिशियल पार्ट में चीज़ें डाइवर्जन के तौर पे दिखाई गए मेन स्टोरी से हट के थोड़ा दिखाने की कोशिश की हुई थोड़े फैमिली सीन्स विजय एंटनी के किरदार के, के, के रिलेटेड दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के ऊपर से फोकस हटाती हुई नजर आती है डायरेक्टर ने जिस तरह से फैमिली इमोशंस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की हुई थी तो वहाँ पे वो फ्लोट आगे <laughs> प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रहा था चीज़ें हटानी चाहिए थी उसको नहीं रखते तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प हो सकती थी मुरली शर्मा राधिका शारद कुमार जैसे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते है। फिल्म में लेकिन उनका स्क्रीन टाइम भी कम था रोल भी उतने कुछ खास थे नहीं उन्होंने उनका एज एक्टर के तौर पर डायरेक्टर ने प्रॉपर वे में फिल्म में वेस्ट किया हुआ है इसके अलावा मुरली शर्मा जिस तरह से उनका जो काम था अगर वो थोड़ा बेहतर वे में उस किरदार को डाल देते चीजें और बेहतर हो सकती थी टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गोपालन जिन्होंने फिल्म का बे गोपाल कृष्णन जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था जहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका विजय सुनने को मिलता है वो बढ़िया है स्टाइल में जो म्यूजिक का, का काम किया हुआ है कुछ सीन्स में वो काफी अच्छा नजर आता है सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विजयन ने किए हुए जिनकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ किए उतनी कम है जिस तरह से दिखाया चीज़ें वो काफी बढ़िया है आर्ट डायरेक्टर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का एक स्पेशल अप्रोज डिजर्व करता है जिस तरह से आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं कंप्लीटली एक नया टच देता हुआ नजर आता है फिल्म को जिसके चलते फिल्म पूरी दूसरी जो थ्रिलर फिल्म है क्राइम फिल्म है उससे डिफरेंट सी है। होती हुई नजर आए थे वेफ एक्स फिल्म का थोड़ा बेटर हो सकता था थोड़ा वह जो वेफ एक्स यूज़ किया है उसको और बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू नीट थी फिल्म की एडिटिंग थी वो फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन थे जिसको हटाया जा सकता था डायरेक्टर बालाजी के कुमार ने फिल्म के साथ एक ठीक ठाक काम किया हुआ है उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन पोशंस को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था अननेसेसरी फैमिली ड्रामा सेकंड हाफ में जिस तरह से डायल्यूट करने के जो प्रोसेस उन्होंने एड की हुई थी वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ देती है ओवरऑल ये फिल्म देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ दिखाई दिखाए भले सवा दो घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस से चलती हुई ऐसा नज़र आता है कुछ डिसेंट सीन्स भी देखने को मिलती है लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं रह पाता है क्योंकि फिल्म काफ़ी अल्ट्रा स्लो नजर आती है कुल मिला बात करें तो हत्या एक स्लो पेस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से विजय एंटनी के परफॉर्मेंस और उनके किरदार के ऊपर डिपेंड करती है कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन्स से उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया था लेकिन स्लो पेस नरेशन उन सभी चीज़ों को स्पॉइल करता हुआ नजर आता है प्लॉट में जिस तरह से एक डेविएसन देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली खास करके सेकंड हाफ में अनवॉन्टेड फैमिली इमोशंस वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ती है अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो कुछ ही इन्वेस्टिगेशन सीन्स है क्राइमिक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो और एक विजय एंटनी की परफॉर्म सिस की वजह से देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो हत्या फिल्म या कहे कोलाई फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया गया था तमिल तेलुगु दो वर्ज़न में इनिशियली पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में चीज़ें चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में ही बाद में रिलीज़ करने का फैसला लिया जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्जन था वो 21 जुलाई दो को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस को इस फिल्म में एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतनी कुछ खास वर्क नहीं कर पाई जिसको आई एम पे करीबन पाँच वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो अमेजन प्राइम विडियो के पास थे तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के दुगल स्टूडियोज वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को हत्या नाम के साथ डब करवाया हुआ है और ये फिल्म अभी फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजोन प्राइमीडियो के ऊपर कोलाई और हत्या नाम के साथ तमिल तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको आने वाले समय में हत्या नाम के साथ सेटेलाइट चैनल के ऊपर

फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बालाजी के कुमार ने जिन्होंने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है इससे पहले उन्होंने मून करके एक 2013 में फिल्म बनाई थी उससे पहले नाइन लाइव्स ऑफ मारा करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने 2007 में वो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी उसके बाद में 2013 में तेरह मन तमिल वर्जन फिल्म बताया बनाई थी दस साल के बाद वो इस फिल्म को बनाए जहाँ पे बालाजी के कुमार ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था विजय एंटनी रितिका सिंह मीनाक्षी चौधरी फिल्म के लीड रोल में थे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विज्ञान ने की हुई थी एडिटिंग आर के सिलवा ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे छह मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि फिल्म आपको एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिरीश जी ने काम किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म का जो म्यूजिक है जिसक, जिसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वैसे फिल्म का जो म्यूजिक है वो जो फिल्म का टाइटल है उसके हिसाब से परफेक्ट सेट किया हुआ था जहाँ पे कोलाई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों फिल्म के हिसाब से शूटेबल नजर आए थे जहाँ पे इस कोलाई फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे थिंक म्यूज़िक इंडिया वालों ने वैसे सारे गामा तमिल के ऊपर भी इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स बेचे गए थे जिन्होंने एक दो गाने उन्होंने रिलीज़ किए थे वहीं पे एक दो गाने वो थे वो सारे गामा ने भी रिलीज़ किए थे लेकिन ऑफिशियल जो राइट्स थे वो थे आ सारे गामा के थिंक म्यूज़िक के पास तो फिल्म के थिंक म्यूज़िक के पास राइट्स थे गानों के जहाँ पर फिल्म में टोटल करीबन पांच गाने थे अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनी फिल्म वेंचर और लोटस पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में आपको विजय एंटनी देखने को मिलेंगे जिन्होंने विनायकन का रोल प्ले किया हुआ है रितिका सिंह ने संध्या महामोहन राज का रोल प्ले किया हुआ था मीनाक्षी चौधरी को लीला बोरकार का रोल दिया गया था राधिका शरद कुमार ने रेखा का रोल प्ले किया हुआ है श्रेष्ठा ने बबलू का रोल प्ले किया था मुरली शर्मा ने आदित्य कौशिक का रोल प्ले किया हुआ था सिद्धार्थ शंकर ने सतीश का रोल प्ले किया हुआ था जॉन विजय मंसूर अली खान का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे अर्जुन चिदम्बरम ने इस फिल्म में अर्जुन वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है आनंद को इस फिल्म में डीसीपी तिलक वर्मा का रोल दिया गया था यमुना चिन्ना दुराई ने इस फिल्म में विनायक की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिव कुमार ने इस फिल्म में कांस्टेबल मारुडू का रोल प्ले किया हुआ है शर्मिला थापा ने इस फिल्म में मेकाला का रोल प्ले किया हुआ है एम आर किशोर कुमार ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है अमृत कलाम ने बलराम का रोल प्ले किया हुआ है ममाथी चारी ने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोताची को यामिनी का रोल दिया गया था तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है juno is my important role play किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो शुरुआत 2018 में की गई थी जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की जो शुरुआत थी वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की हुई थी वहाँ पे ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में स्टार्ट हुई थी ये फिल्म की कहानी है। कुछ ट्रू इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर होकर बेस्ड होकर बनाई गई है जहाँ पे एडिथ थोम्सन और ब्रेडफ्रिक बाय वाटर्स के जो न्यूयॉर्क में घटना घटी थी उनके साथ नाइनटीन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट गट किया हुआ है डायरेक्टर के मुताबिक ये Okay. फिल्म जो इनोदर लाइफ है उसमें जो 2001 में फिल्म बनाई थी उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ था म्यूजिक डिपार्टमेंट में बात करें तो थिंक म्यूजिक के पास म्यूजिक के राइट्स थे फिल्म के गानों को कंपोज गिरिश जी ने ही किया हुआ था फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसके म्यूजिक के राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में ख़रीदे हुए थे 2021 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें गानों की तो पहला गाना नीरु लो जिसको लिखा हुआ था कार्तिक नेता ने म्यूजिक दिया हुआ था था इस गिरीश जी ने और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था यार ने गाने को गिरीश जी ने लिखा था उन्होंने ही म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपाल लन और एम एस कृष्णा ने उसको गाया हुआ था नेसम मरुमा गाने को मोहन राजन ने गाया हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन ने गाया हुआ था केलवी मातुम थगुद्देक ने इस फिल्म में कबीर कौसुकी ने लिरिक्स लिखे थे इस गाने के लिए प्रदीप कुमार ने उसको गाया हुआ था पार्थन नय बगम इलायो करके जो गाना था उसको कनन्त सन ने लिखा हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था ती टोटल पाँच सिंगल से फिल्म में जिसकी लेंथ इक्कीस मिनट छः सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया था दो में थिंक म्यूजिक के द्वारा ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए गए थे तो फिल्म के सभी गाने ऑफिशियली थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो हत्या या ले लो कोलाई फिल्म ये फ़िल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में, में सेट की हुई है जहाँ पे लेला यानी कि मीनाक्षी चौधरी एक प्रोफेशनल मॉडल है जिसको मार दिया जाता है उसके ही फ्लैट में तो अपने ही फ्लैट में मीनाक्षी चौधरी यानी कि लेला का एक मर्डर हो जाता है जो एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे इस मिस्टीरियस डेथ के बाद सभी लोग आ, शौक हो जाते और उसका जब वो डेट हुई थी मिस्त्री तो उसका लोक था वो अंदर से जो उसका फ्लैट था उसका जो मकान का दरवाज़ा था घर का घर को अंदर से लॉक किया हुआ था तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है वो लोगों को अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो रहा था संध्या मोहन राज जो रितिका सिंह रोल प्ले कर रही है वो एक आईपीएस ऑफिसर है जहाँ पे वो केस हाथ में लेती है और उसके बाद में वो एक मास्टर की मदद लेते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम है विनायक विजय एंटोनी वो रोल प्ले करे तो उनकी मदद लेते हुए उन उनकी भी मदद लेते हुए इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत स्टार्ट करते हैं विनायक इनिशियली ये सभी चीज़ों को करने के लिए होता किसी तरह में शामिल कर लेती है उसके बाद में विनायक, दिरे दिरे के डाउट करने लगते जो किशोर कुमार रोल प्ले कर रहे कि वो वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लीला के मैनेजर है तो उनके ऊपर उनको डाउट हो रहा था कि इसने कुछ किया है उसके बाद में सतीश को दिखाया जाता है जो रोल सिद्धार्थ शंकर प्ले कर रहे हैं जो लेला बॉयफ्रेंड का रोल था अब उसके बाद में अर्जुन वासुदेवन को भी दिखाया जाता है जो रोल प्ले कर अर्जुन चिदम्बरम जो एक रिनोड फोटोग्राफर थे क्योंकि लीला का मॉडल थी तो उनके साथ भी वो कनेक्टेड थे आदित्य कौशिक को दिखाया आदित्य कौशिक नाम का किरदार दिखाया जाता है वो रोल मुरली शर्मा प्ले करे जो एक, एक मॉडलिंग कंपनी के काम करते वो एजेंट का काम करते मॉडलिंग कंपनी में तो वो भी इस तरह कनेक्टेड थे तो अब इनमें से कोई ये ने मारा है या कोई और है तो ये कि लेला को आखिर में मारा क्यों है किसने ये सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है हत्या या कोलाई एक पूरी तरह से डिफरेंट फिल्म वाली फिल्म है फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो भी काफी डिफरेंट नजर आएगा इससे पहले कई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म आपने देखी होगी रिसेंट टाइम में जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से उससे डिफरेंट नज़र आती है क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से सभी चीज़ें पोर्ट्रेट की हुई जिस तरह से ये कोलाइया हो हत्या फिल्म का जो दुनिया हमारे सामने पेश किए हुए वो पूरी तरह से यूनिक स्टाइल के साथ पेश करवाई गई है पेश किए हुए तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट करते हुए नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी फैंटास्टिक लेवल के सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के क्राइम थ्रिलर फिल्म आपने कहीं देखी होगी लेकिन ये फिल्म वहाँ पे एक फ्रेश फीलिंग देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी के चलते विजय एंटनी का एक प्राइवेट डिटेक्टिव में एज रोल का प्ले करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आता है उन्होंने सोल्ट और पेपर टाइप के हेयर स्टाइल का लुक रखा हुआ था जिसको उनके ऊपर काफ़ी नेचुरल रह लग रहा था और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से सबल परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हुए नज़र आते विजय एंटनी ने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से जिस तरह से जो प्रिजाइजली सभी चीज़ों को जिस तरह से डिमांड थी उस तरह डिलीवर किया हुआ है डायलॉग डिलीवरी उनकी जिस तरह की थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस जो एक फाइनल ट्विस्ट आखिर में रिवील होता है वो भी मैग्निफिसट था तो वे सभी चीज़ें वो इसके

आसपास घूमती रहती है जहाँ पर उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक पोइट्रिक टच उनके किरदार को दिया गया था रितिका सिंह ने इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ विजय एंटनी के साथ तो वो रोल भी उनका काफ़ी बढ़िया था एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ इस फिल्म की पे से वो थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है जिसके चलते सभी चीज़ें थोड़े समय के बाद आपको इरीटेट कर सकती है इनिशियली जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के वक्त लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन फोर्स स्टार्ट होता है चीज़ें धीरे धीरे वे वाकई स्लो हो जाती बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी वो फिल्म की बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको अगर अप कर देते तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था इनिशियल पार्ट में का खास करके सेकंड हाफ के जो इनिशियल पार्ट में चीज़ें डाइवर्जन के तौर पे दिखाई गए मेन स्टोरी से हट के थोड़ा दिखाने की कोशिश की हुई थोड़े फेमिली सीस विजयनी के किरदार के, के रिलेटेड दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के ऊपर से फोकस हटाती हुई नज़र आते डायरेक्टर ने जिस तरह से फैमिली इमोशंस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की हुई थी तो वहाँ पे वो फ्लोट आगे <laughs> प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रहा था चीज़ें हटानी चाहिए थी उसको नहीं रखते तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प हो सकती थी मुरली शर्मा राधिका शारद कुमार जैसे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते है। फिल्म में लेकिन उनका स्क्रीन टाइम भी कम था रोल भी उतने कुछ खास थे नहीं उन्होंने उनका एज एक्टर के तौर पर डायरेक्टर ने प्रॉपर वे में फिल्म में वेस्ट किया हुआ है इसके अलावा मुरली शर्मा जिस तरह से उनका जो काम था अगर वो थोड़ा बेहतर वे में उस करदार को डाल देते चीज़ें और बेहतर हो सकती थी टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गोपालन जिन्होंने फिल्म का बे गोपाल कृष्णन जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था जहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका विजयम सुनने को मिलता है वो बढ़िया है रेस्ट्रो स्टाइल में जो म्यूजिक का, का काम किया हुआ है कुछ सीन्स में वो काफ़ी अच्छा नजर आता है सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विजयन ने किए हुए जिनकी सिनेमेटोग्राफी की, की तारीफ की उतनी कम है जिस तरह से दिखाया चीज़ें वो काफ़ी बढ़िया है आर्ट डायरेक्टर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का एक स्पेशल अप्रोज डिजर्व करता है जिस तरह से आर्ट वर्क देख को मिलता है कंप्लीटली एक नया टच देता हुआ नजर आता है फिल्म को जिसके चलते फिल्म पूरी दूसरी जो थ्रिलर फिल्म है क्राइम फिल्म है उससे डिफरेंट सी है होती हुई नजर आते वे एक्स फिल्म का थोड़ा बेटर हो सकता था थोड़ा बहुत जो वेफ एक्स यूज़ किया है उसको और बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू नीट थी फिल्म की एडिटिंग थी वो फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स थे जिसको हटाया जा सकता था डायरेक्टर बालाजी के कुमार ने फिल्म के साथ एक ठीक ठाक काम किया हुआ है उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन पोशंस को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था अननेसेसरी फैमिली ड्रामा सेकंड हाफ में जिस तरह से डायल्यूट करने के जो प्रोसेस उन्होंने एड की हुई थी वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ देती है ओवरऑल ये फिल्म देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ दिखाए भले सवा दो घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस से चलती हुई ऐसा नजर आता है कुछ डिसेंट सीन्स भी देखने को मिलती है लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं रह पाता है क्योंकि फिल्म काफ़ी अल्ट्रा स्लो नजर आती है कुल मिला के बात करें तो हत्या एक स्लो पेस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पर ये फिल्म पूरी तरह से विजय एंटनी के परफॉर्मेंस और उनके किरदार के ऊपर डिपेंड करते कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन्स से उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया था लेकिन स्लो पेस नरेशन उन सभी चीज़ों को स्पॉइल करता हुआ नजर आता है प्लॉट में जिस तरह से एक डिविएशन देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली खास करके सेकंड हाफ में अनवॉन्टेड फैमिली इमोशंस वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ती है अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो कुछ ही इन्वेस्टिगेशन सीन्स एक क्राइमिक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो और एक विजय एंटनी की परफॉर्म तो वजह से देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो हत्या फिल्म या कहे कोलाई फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया गया था तमिल तेलुगु दो वर्ज़न में इनिशियली पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में चीज़ें चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में ही बाद में रिलीज़ करने का फ़ैसला लिया जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्जन था वो 21 जुलाई 2023 को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस को इस फिल्म में एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतनी कुछ खास वर्क नहीं कर पाई जिसको आई एम पे करीबन पाँच वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो अमेजोन प्राइम विडियो के पास थे तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के दुगल स्टूडियोज वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को हत्या नाम के साथ डब करवाया हुआ है और ये फिल्म अभी फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने है तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर कोलाई और हत्या नाम के साथ तमिल तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको आने वाले समय में हत्या नाम के साथ सेटेलाइट चैनल के ऊपर बिल्कुल

प्रीमियर होती हुई नजर आएगी उसके बाद में आर दुगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विथ इंग्लिश सबटाइटल बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से कोलाई या हत्या फिल्म को आप ऑफिशियली तमिल तेलुगु और हिंदी वर्जन में एंजॉय कर पाओगे कोलाई जो 2023 की एक तमिल लैंग्वेज मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है कोलाई का मीनिंग होता है मर्डर इस फिल्म को तेलुगू और हिंदी दोनों वर्जन में हत्या नाम दिया हुआ है ये एक पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में तमिल तेलुगु वर्जन में ही रिलीज किया हुआ था फिल्म को डरेक्ट किया हुआ है बालाजी के कुमार ने जिन्होंने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरन ये सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है इससे पहले उन्होंने मून करके एक 2013 में फिल्म बनाई थी उससे पहले नाइन लाइव्स ऑफ मारा करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने 2007 में वो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी उसके बाद में 2013 में विद्युमन तमिल वर्जन फिल्म बनाई थी दस साल के बाद वो इस फिल्म को बनाए जहाँ पे बालाजी के कुमार ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था विजय एंटनी रितिका सिंह मीनाक्षी चौधरी फिल्म के लीड रोल में थे टेक्निकल टीम में सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विज्ञान ने की हुई थी एडिटिंग आर के सेलवा ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे छह मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि फिल्म आपको एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिरीश जी ने काम किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म का जो म्यूज़िक है जिसका जिसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वैसे फिल्म का जो म्यूज़िक है वो जो फिल्म का टाइटल है उसके हिसाब से परफेक्ट सेट किया हुआ था जहाँ पे कोलाई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों फिल्म के हिसाब से शूटेबल नज़र आए थे जहाँ पे इस कोलाई फिल्म के जो म्यूज़िक के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे थिंक म्यूजिक इंडिया वालों ने वैसे सारे गामा तमिल के ऊपर भी इस फिल्म के म्यूजिक के राइट्स बेचे गए थे जिन्होंने एक दो गाने उन्होंने रिलीज किए थे वहीं पर एक दो गाने वो थे वो सारे गामा ने भी रिलीज किए थे लेकिन ऑफिशियल जो राइट्स थे वो थे आ, सारे गामा के प थिंक म्यूजिक के पास तो फिल्म के थिंक म्यूजिक के पास राइट्स थे गानों के जहाँ पे फिल्म में टोटल करीबन पाँच गाने थे अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक्ट के ऊपर तो प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनी फिल्म्स वेंचर और लोटस पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में आपको विजय एंटनी देखने को मिलेंगे जिन्होंने विनायकन का रोल प्ले किया हुआ है रितिका सिंह ने संध्या महामोहन राज का रोल प्ले किया हुआ था मीनाक्षी चौधरी को लीला बोरकार का रोल दिया गया था राधिका शरद कुमार ने रेखा का रोल प्ले किया हुआ है श्रेष्ठा ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ था शर्मा ने आदित्य कौशिक का रोल प्ले किया हुआ था सिद्धार्थ शंकर ने सतीश का रोल प्ले किया हुआ था जॉन विजय मंसूर अली खान का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे अर्जुन चिदम्बरम ने इस फिल्म में अर्जुन वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है आनंद को इस फिल्म में डीसी तिलक वर्मा का रोल दिया गया था यमुना चिन्नाधुरा इन इस फिल्म में विनायक की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवक कुमार ने इस फिल्म में कॉन्स्टेबल मारूडू का रोल प्ले किया हुआ है शर्मिला थापा ने इस फिल्म में मेकाला का रोल प्ले किया हुआ है एम आर किशोर कुमार ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है अमृत कलाम ने बलराम का रोल प्ले किया हुआ है ममाथी चारी ने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोताची को यामिनी का रोल दिया गया था तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है juno you know, is my important role play किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो शुरुआत 2018 में की गई थी जहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन की जो शुरुआत थी वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की हुई थी वहाँ पे ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में स्टार्ट हुई थी ये फिल्म की कहानी है। कुछ ट्रू इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर होकर बेस्ड होकर बनाई गई है जहाँ पे एडिथ थॉम्पसन और ब्रेड फ्रिक बाई वाटर्स के जो न्यूयॉर्क में घटना घटी थी उनके साथ नाइनटीन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट गट किया हुआ है डायरेक्टर के मुताबिक ये जो अदर लाइफ है उसमें जो 2001 में फिल्म बनाई थी उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बात करें तो थिंक म्यूजिक के पास म्यूज़िक के राइट्स थे फिल्म के गानों को कंपोज गिरिश जी ने ही किया हुआ था फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसके म्यूजिक के राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे दो में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करे गानों की तो पहला गाना नीरु जिसको लिखा हुआ था कार्तिक नेता ने, ने म्यूजिक दिया हुआ था आ, इस गिरीश जी ने और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था यारनी गाने को गिरीश जी ने लिखा था उन्होंने ही म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपाल राजगोपालन और एम एस कृष्णा ने उसको गाया हुआ था नेसम मरुमा गाने को मोहन राजन ने गाया हुआ था इस गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन ने गाया हुआ था केलवी मातुम थग्गुद्तेग ने इस फिल्म में कबीर कौसुखी ने लिरिक्स लिखे थे इस गाने के लिए प्रदीप कुमार ने उसको गाया हुआ था पार्थन बगम इलायो करके जो गाना था उसको कनंद दसन ने लिखा हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था तो टोटल पाँच सिंगल्स थे फिल्म में जिसकी लेंथ इक्कीस मिनट छः सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया था दो में थिंक म्यूजिक के द्वारा ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज किए गए थे तो फिल्म के सभी गाने ऑफिशियली थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो हत्या या ले लो कोलाई फिल्म ये फ़िल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में सेट किए हुए जहाँ पे लेला यानि कि मीनाक्षी चौधरी एक प्रोफेशनल मॉडल है जिसको मार दिया जाता है उसके ही फ्लैट में तो अपने ही फ्लैट में मीनाक्षी चौधरी यानी कि लेला का एक मर्डर हो जाता है जो एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे इस मिस्टीरियस डेथ के बाद सभी लोग आ, शौक हो जाते और उसका जब वो डेट हुई थी मिस्त्री तो उसका लोक था वो अंदर से जो उसका फ्लैट था उसका जो मकान का दरवाज़ा था घर का घर को अंदर से लॉक किया हुआ था तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है वो लोगों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था संध्या मोहन राज जो ऋतिका सिंह रोल प्ले कर रही है वो एक आई ऑफिसर है जहाँ पर वो केस हाथ में लेती है और उसके बाद में वो एक मास्टर की मदद लेते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम है विनायक विजय एंटोनी वो रोल प्ले कर करे थे उनकी मदद लेते हुए उन उनकी भी मदद लेते हुए इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत स्टार्ट करते हैं विनायक इनिशियली ये सभी चीज़ जो को करने के लिए डिसएग्री होता है लेकिन लेटर ऑन बाद में उस संध्या को और संध्या वो लेटर उन उसको मना लेती है और किसी तरह वो इस मर्डर मिस्ट्री को क्रेक करने के लिए उसके साथ टीम में शामिल कर लेती है उसके बाद में संध्या और विनायक धीरे धीरे बबलू के ऊपर डाउट करने लगते जो किशोर कुमार रोल प्ले कर रहे हैं कि वो वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लीला के मैनेजर है तो उनके ऊपर उनको डाउट हो रहा था कि इसने कुछ किया है उसके बाद में सतीश को दिखाया जाता है जो रोल सिद्धार्थ शंकर प्ले कर रहे हैं जो लीला के बॉयफ्रेंड का रोल था अब उसके बाद में अर्जुन वासुदेवन को भी दिखाया जाता है जो रोल प्ले कर अर्जुन चिदम्बरम जो एक रिनोड फोटोग्राफर थे क्योंकि लीला का मॉडल थी तो उनके साथ भी वो कनेक्टेड थे आदित्य कौशिक को दिखाया आदित्य कौशिक नाम का किरदार दिखाया जाता है वो रोल मुरली शर्मा प्ले कर रहे जो एक, एक मॉडलिंग कंपनी के काम करते वो एजेंट का काम करते मॉडलिंग कंपनी में तो वो भी इस तरह कनेक्टेड थे तो अब इनमें से कोई ने मारा है या कोई और है तो ये कि लीला को आखिर में मारा क्यों है किसने ये सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है हत्या या कोलाई एक पूरी तरह से डिफरेंट फिल वाली फिल्म है फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा इससे पहले कई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म आपने देखी होगी रिसेंट टाइम में जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से उससे डिफरेंट नज़र आती है क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से सभी चीज़ें पोर्ट्रेट की हुए जिस तरह से ये कोलाइया हो हो हत्या फिल्म का जो दुनिया हमारे सामने पेश किए हुए वो पूरी तरह से यूनिक स्टाइल के साथ पेश करवाई गई है पेश किए हुए तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट करते हुए नज़र आते हैं सिनेमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी फैंटास्टिक लेवल की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के क्राइम थ्रिलर फिल्म आपने कहीं देखी होगी लेकिन ये फिल्म वहाँ पर एक फ्रेश फीलिंग देती हुई नजर आती है सिनेमेटोग्राफी के चलते विजय एंटनी का एक प्राइवेट डिटेक्टिव में एज रोल का प्ले करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आता है उन्होंने शोल्ट और पेपर टाइप के हेयर स्टाइल का लुक रखा हुआ था जिसको उनके ऊपर काफ़ी नेचुरल रह लग रहा था और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से सबल परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हुए नज़र आते विजय एंटनी ने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से जिस तरह से जो प्रिजाइजली सभी चीज़ों को जिस तरह से डिमांड थी उस तरह डिलीवर किया हुआ है डायलॉग डिलीवरी उनकी जिस तरह की थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस जो एक फाइनल ट्विस्ट आखिर में रिवील होता है वो भी मैग्नीफिशेंट था तो वो सभी चीज़ें वो इसके

आसपास घूमती रहती है जहाँ पर उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक पोइट्रिक टच उनके किरदार को दिया गया था रितिका सिंह ने इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया हुआ विजय एंटनी के साथ तो वो रोल भी उनका काफ़ी बढ़िया था एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आते हैं हाँ इस फिल्म की पेस से वो थोड़ी स्लो नज़र आ सकती है जिसके चलते सभी चीज़ें थोड़े समय के बाद आपको इरीटेट कर सकती है इनिशियली जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के वक्त लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन फोर्स स्टार्ट होता है चीज़ें धीरे धीरे वे वाकई स्लो हो जाती बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी वो फिल्म की बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको अगर चॉप अप कर देते तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था इनिशियल पार्ट में का खास करके सेकंड हाफ के जो इनिशियल पार्ट में चीज़ें डाइवर्जन के तौर पे दिखाई गए मेन स्टोरी से हट के थोड़ा दिखाने की कोशिश की हुई थोड़े फैमिली सीन्स विजय एंटनी के किरदार के, के रिलेटेड दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के ऊपर से फोकस हटाती हुई नज़र आते डायरेक्टर ने जिस तरह से फैमिली इमोशंस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की हुई थी तो वहाँ पे वो फ्लोट आगे <laughs> प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रहा था चीज़ें हटानी चाहिए थी उसको नहीं रखते तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प हो सकती थी मुरली शर्मा राधिका शारद कुमार जैसे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते है। फिल्म में लेकिन उनका स्क्रीन टाइम भी कम था रोल भी उतने कुछ खास थे नहीं उन्होंने उनका एज एक्टर के तौर पर डायरेक्टर ने प्रॉपर वे में फिल्म में वेस्ट किया हुआ है इसके अलावा मुरली शर्मा जिस तरह से उनका जो काम था अगर वो थोड़ा बेहतर वे में उस करदार को डाल देते चीजें और बेहतर हो सकती थी टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गोपालन जिन्होंने फिल्म का बे गोपाल कृष्णन जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था जहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका विजयम सुनने को मिलता है वो बढ़िया है रेस्ट्रो स्टाइल में जो म्यूजिक का, का काम किया हुआ है कुछ सीन्स में वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विजयन ने किए हुए जिनकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ़ की उतनी कम है जिस तरह से दिखाया चीज़ें वो काफ़ी बढ़िया है आर्ट डायरेक्टर्स की भी तारीफ करनी पड़ेगी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का एक स्पेशल अप्रोज डिजर्व करता है जिस तरह से आर्ट वर्क देख को मिलता है कंप्लीटली एक नया टच देता हुआ नजर आता है फिल्म को जिसके चलते फिल्म पूरी दूसरी जो थ्रिलर फिल्म है क्राइम फिल्म है उससे डिफरेंट है होती हुई नजर आते वेफ एक्स फिल्म का थोड़ा बेटर हो सकता था थोड़ा बहुत जो वेफ यूज़ किया है उसको और बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू नीट थी फिल्म की एडिटिंग थी वो फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स थे जिसको हटाया जा सकता था डायरेक्टर बालाजी के कुमार ने फिल्म के साथ एक ठीक ठाक काम किया हुआ है उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन पोशंस को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था अननेसेसरी फैमिली ड्रामा सेकंड हाफ में जिस तरह से डायल्यूट करने के जो प्रोसेस उन्होंने एड की हुई थी वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ देती है ओवरऑल ये फिल्म देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ दिखाई दिखाए भले सवा दो घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस से चलती हुई ऐसा नज़र आता है कुछ डिसेंट सीन्स भी देखने को मिलती है लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं रह पाता है क्योंकि फिल्म काफ़ी अल्ट्रा स्लो नजर आती है कुल मिला के बात करें तो हत्या एक स्लो पेस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से विजय एंटनी के परफॉर्मेंस और उनके किरदार के ऊपर डिपेंड करती है कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन्स से उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया था लेकिन स्लो पेस नरेशन उन सभी चीज़ों को स्पॉइल करता हुआ नजर आता है प्लॉट में जिस तरह से एक डेविएशन देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली खास करके सेकंड हाफ में अनवॉन्टेड फैमिली इमोशंस वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ती है अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो कुछ ही इन्वेस्टिगेशन सीन से क्लाइमेक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो और एक एंटनी की परफॉर्म वजह से देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो हत्या फिल्म या कहे कोलाई फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया गया था तमिल तेलुगु दो वर्जन में इनिशियली पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में चीज़ें चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में ही बाद में रिलीज़ करने का फैसला लिया जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्ज़न था वो इक्कीस जुलाई दो को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस को इस फिल्म में एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतनी कुछ खास वर्क नहीं कर पाई जिसको आई पे करीबन पाँच वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो अमेजोन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल और तेलुगु वर्जन के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के दुगल स्टूडियोज वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को हत्या नाम के साथ डब करवाया हुआ है और ये फिल्म अभी फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर कोलाए और हत्या नाम के साथ तमिल तेलुगु वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पर फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको आने वाले समय में हत्या नाम के साथ सेटेट चैनल के ऊपर

फिल्म को डायरेक्ट किया हुआ है बालाजी के कुमार ने जिन्होंने फिल्म का स्टोरी आइडिया डायलॉग स्क्रिप्टिंग स्क्रीन प्ले डिरेक्शन ये सभी चीज़ें उन्होंने ही की हुई है इससे पहले उन्होंने मून करके एक 2013 में फिल्म बनाई थी उससे पहले नाइन लाइव्स ऑफ मारा करके एक फिल्म बनाई थी उन्होंने 2007 में वो इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म थी उसके बाद में 2013 में तेरह मन तमिल वर्जन फिल्म बताया बनाई थी दस साल के बाद वो इस फिल्म को बनाए जहाँ पे बालाजी के कुमार ने स्टोरी आइडिया से लेकर डायरेक्शन का कमान संभाला हुआ था विजय एंटनी रितिका सिंह मीनाक्षी चौधरी फिल्म के लीड रोल में थे टेक्निकल टीम में सिनेमाटोग्राफी शिव कुमार विज्ञान ने की हुई थी एडिटिंग आर के सेलवा ने की हुई थी जहाँ पे इस फिल्म को सेंसर बोर्ड की तरफ से यूए सर्टिफिकेट मिला हुआ था दो घंटे छः मिनट का रन टाइम सेंसर करवाया गया था यानी कि फिल्म आपको एक मिनट लंबी देखने को मिलेगी म्यूजिक डिपार्टमेंट में गिरीश जी ने काम किया हुआ है जिन्होंने इस फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर Songs दोनों कंपोज किए हुए इस फिल्म का जो म्यूजिक है जिसक, जिसको एक अच्छा खासा रिस्पांस मिला हुआ था वैसे फिल्म का जो म्यूजिक है वो जो फिल्म का टाइटल है उसके हिसाब से परफेक्ट सेट किया हुआ था जहाँ पे कोलाई फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर सॉन्ग्स दोनों फिल्म के हिसाब से शूटेबल नज़र आए थे जहाँ पे इस कोलाई फिल्म के जो म्यूजिक के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे थिंक म्यूज़िक इंडिया वालों ने वैसे सारे गामा तमिल के ऊपर भी इस फिल्म के म्यूज़िक के राइट्स बेचे गए थे जिन्होंने एक दो गाने उन्होंने रिलीज़ किए थे वहीं पे एक दो गाने वो थे वो सारे गामा ने भी रिलीज़ किए थे लेकिन ऑफिशियल जो राइट्स थे वो थे आ, सारे गामा के थिंक म्यूजिक के पास तो फिल्म के थिंक म्यूजिक के पास राइट्स थे गानों के जहाँ पे फिल्म में टोटल करीबन पांच गाने थे अब बात करें इस फिल्म के दूसरे स्पेक के ऊपर तो प्रोडक्शन कंपनी इन्फिनी फिल्म वेंचर और लोटस पिक्चर्स के द्वारा फिल्म को प्रोड्यूस करवाया गया शक्ति फिल्म फैक्ट्री ने इस फिल्म को तमिल वर्जन में डिस्ट्रीब्यूट करवाया हुआ था फिल्म की कास्टिंग में लीड रोल में आपको विजय एंटनी देखने को मिलेंगे जिन्होंने विनायकन का रोल प्ले किया हुआ है रितिका सिंह ने संध्या महामोहन राज का रोल प्ले किया हुआ था मीनाक्षी चौधरी को लीला बोरकार का रोल दिया गया था राधिका शरद कुमार ने रेखा का रोल प्ले किया हुआ है श्रेष्ठा ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ था मुरली शर्मा ने आदित्य कौशिक का रोल प्ले किया हुआ था सिद्धार्थ शंकर ने सतीश का रोल प्ले किया हुआ था जोन विजय मंसूर अली खान का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे अर्जुन चिदम्बरम ने इस फिल्म में अर्जुन वासुदेव का रोल प्ले किया हुआ है आनंद को इस फिल्म में डीसीपी तिलक वर्मा का रोल दिया गया था यमुना चिन्ना दुराई ने इस फिल्म में विनायक की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है शिवक कुमार ने इस फिल्म में कांस्टेबल मारूडो का रोल प्ले किया हुआ है शर्मिला थापा ने इस फिल्म में मेकाला का रोल प्ले किया हुआ है एम आर किशोर कुमार ने बबलू का रोल प्ले किया हुआ है अमृत कलाम ने बलराम का रोल प्ले किया हुआ है ममाथी चारी ने इस फिल्म में डॉक्टर का रोल प्ले किया हुआ है मनस्वी कोताची को यामिनी का रोल दिया गया था तो ये फिल्म के लीड प्रोमिनेंट कास्ट है जिन्होंने इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हुए प्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करें तो शुरुआत 2018 में की गई थी जहां पे पोस्ट प्रोडक्शन की जो शुरुआत थी वो अक्टूबर 2021 में स्टार्ट की हुई थी वहां पे ये फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में स्टार्ट हुई थी ये फिल्म की कहानी है कुछ ट्रू इंसिडेंट के ऊपर इंस्पायर होकर बेस्ड होकर बनाई गई है जहाँ पे एडिथ थॉम्पसन और ब्रेडफ्रिक बाई वॉटर्स के जो न्यूयॉर्क में घटना घटी थी उनके साथ नाइनटीन में उसके ऊपर फिल्म की कहानी को सेट गट किया हुआ है डायरेक्टर के मुताबिक ये Okay. पलम्स जो इनोदर लाइफ है उसमें जो 2001 में फिल्म बनाई थी उससे थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन लेते हुए उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ था म्यूज़िक डिपार्टमेंट में बात करें तो थिंक म्यूज़िक के पास म्यूज़िक के राइट्स थे फिल्म के गानों को कंपोज गिरिश जी ने ही किया हुआ था फिल्म में टोटल पाँच गाने थे जिसके म्यूज़िक के राइट्स थिंक म्यूजिक वालों ने अच्छी प्राइस में खरीदे हुए थे 2021 में गानों को रिकॉर्ड किया हुआ था फिल्म की ट्रैक लिस्टिंग करें गानों की तो पहला गाना नीरुकमिल लो जिसको लिखा हुआ था कार्तिक नेता ने म्यूज़िक दिया हुआ था था इस गिरीश जी ने और सिद्ध श्री राम ने गाया हुआ था यारनी गाने को गिरीश जी ने लिखा था उन्होंने म्यूजिक दिया था अंजना राज लन और एम एस कृष्णा ने उसको गाया हुआ था नेसम मरुमा गाने को मोहन राजन ने गाया हुआ था गिरिश जी ने म्यूजिक दिया था अंजना राजगोपालन ने गाया हुआ था केलवी मातुम थग्गुद तेग ने इस फिल्म में कबीर कौसुक ने लिरिक्स लिखे थे इस गाने के लिए प्रदीप कुमार ने उसको गाया हुआ था पार्थन एय बगम इलायो करके जो गाना था उसको कनन दसन ने लिखा हुआ था गिरीश जी ने म्यूजिक दिया था और श्रेया घोषाल ने गाया हुआ था ती टोटल पाँच सिंगल्स थे फिल्म में जिसकी लेंथ इक्कीस मिनट छः सेकंड जिसको दो में रिकॉर्ड किया था दो में थिंक म्यूजिक के द्वारा ये सभी गाने वीडियो ऑडियो फॉर्मेट में रिलीज़ किए गए थे तो फिल्म के सभी गाने ऑफिशियली थिंक म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सुन सकते हो अब बात करें इस फिल्म की कहानी के ऊपर तो हत्या या ले लो कोलाई फिल्म ये फ़िल्म की कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग मैनर में, में सेट किए हुई है जहाँ पे लेला यानि कि मीनाक्षी चौधरी एक प्रोफेशनल मॉडल है जिसको मार दिया जाता है उसके ही फ्लैट में तो अपने ही फ्लैट में मीनाक्षी चौधरी यानी कि लेला का एक मर्डर हो जाता है जो एक प्रोफेशनल मॉडल है जहाँ पे इस मिस्टीरियस डेथ के बाद सभी लोग आ, शोक हो जाते और उसका जब वो डेट हुई थी मिस्त्री तो उसका लोक था वो अंदर से जो उसका फ्लैट था उसका जो मकान का दरवाज़ा था घर का घर को अंदर से लॉक किया हुआ था तो ये क्राइम किस तरह से हुआ है वो लोगों को अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा था संध्या मोहन राज जो ऋतिका सिंह रोल प्ले कर रही है वो एक आईपीएस ऑफिसर है जहाँ पे वो केस हाथ में लेती है और उसके बाद में वो एक मास्टर की मदद लेते हुए प्राइवेट डिटेक्टिव है जिसका नाम है विनायक विजय एंटोनी वो रोल प्ले करे थे उनकी मदद लेते हुए उनकी भी मदद लेते हुए इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत स्टार्ट करते हैं विनायक इनिशियली ये सभी चीज़ को करने के लिए डिसएग्री होता है लेकिन लेटर ऑन बाद में उस संध्या को संध्या वो लेटर उन उसको मना लेती है और किसी तरह वो इस मर्डर मिस्ट्री को क्रेक करने के लिए उसके साथ टीम में शामिल कर लेती है उसके बाद में संध्या और विनायक धीरे धीरे बबलू के ऊपर डाउट करने लगते जो किशोर कुमार रोल प्ले कर रहे कि वो वो प्रिटेंड कर रहे थे कि वो लीला के मैनेजर है तो उनके ऊपर उनको डाउट हो रहा था कि इसने कुछ किया है उसके बाद में सतीश को दिखाया जाता है जो रोल सिद्धार्थ शंकर प्ले कर रहे हैं जो लीला के बॉयफ्रेंड का रोल था अब उसके बाद में अर्जुन वासुदेवन को भी दिखाया जाता है जो रोल प्ले कर अर्जुन चिदम्बरम जो एक रिनोड फोटोग्राफर थे क्योंकि लीला का मॉडल थी तो उनके साथ भी वो कनेक्टेड थे आदित्य कौशिक को दिखाया आदित्य कौशिक नाम का किरदार दिखाया जाता है वो रोल मुरली शर्मा प्ले कर रहे जो एक, एक मॉडलिंग कंपनी के काम करते वो एजेंट का काम करते मॉडलिंग कंपनी में तो वो भी इस तरह कनेक्टेड थे तो अब इनमें से कोई ने मारा है या कोई और है तो ये कि लीला को आखिर में मारा क्यों है किसने ये सभी सवाल के जवाब फिल्म की कहानी बनाती है हत्या या कोलाई एक पूरी तरह से डिफरेंट फिल वाली फिल्म है फिल्म का जो प्रोडक्शन डिजाइन था वो भी काफ़ी डिफरेंट नज़र आएगा इससे पहले कई इन्वेस्टिगेशन थ्रिलर फिल्म आपने देखी होगी रिसेंट टाइम में जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से उससे डिफरेंट नजर आती है क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह से सभी चीज़ें पोर्ट्रे की हुई है जिस तरह से ये कोलाइया हो वह हत्या फिल्म का जो दुनिया हमारे सामने पेश किए हुए वो पूरी तरह से यूनिक स्टाइल के साथ पेश करवाई गई है पेश की हुई है तो वो सभी चीज़ें डिफरेंट करते हुए नजर आते हैं सिनेमेटोग्राफी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ करनी पड़ेगी काफ़ी फैंटास्टिक लेवल की सिनेमेटोग्राफी देखने को मिलती है फिल्म के क्राइम थ्रिलर फिल्म आपने कहीं देखी होगी लेकिन ये फिल्म वहाँ पे एक फ्रेश फीलिंग देती हुई नज़र आती है सिनेमेटोग्राफी के चलते विजय एंटनी का एक प्राइवेट डिटेक्टिव में एज रोल का प्ले करना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग नजर आता है उन्होंने शोल्ट और पेपर टाइप के हेयर स्टाइल का लुक रखा हुआ था जिसको उनके ऊपर काफ़ी नेचुरल रह लग रहा था और उन्होंने इस फिल्म में जिस तरह से सबल परफॉर्मेंस डिलीवर किए हुए वो फिल्म को काफ़ी बढ़िया तरीके से आगे फॉरवर्ड करते हुए नजर आते विजय एंटनी ने कैरेक्टर की डिमांड के हिसाब से जिस तरह से जो प्रिजाइजली सभी चीज़ों को जिस तरह से डिमांड थी उस तरह डिलीवर किया हुआ है डायलॉग डिलीवरी उनकी जिस तरह की थी जो बॉडी लैंग्वेज थी जिस जो एक फाइनल ट्विस्ट आखिर में रिवील होता है वो भी मैग्नीफिशेंट था तो वो सभी चीज़ें वो इसके के थ्रू विजय इंटरने ने बखूबी निभाई हुई है कुछ इन्वेस्टिगेशन पोर्सन थे जहां पे वो सभी चीजें काफी डिटेलिंग के साथ शोकेस की हुई थी जहां पे खास करके जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट है फिंगर्स वाला तो वहां पे चार सस्पेक्ट रहते और उसमें जिस तरह से चीजें फिल्म में ट्विस्ट के तौर पे बाद में दिखाई जाती है जिस तरह से चीजें बाद में सामने निकल के आते वो काफी इंटरेस्टिंग था मीनाक्षी चौधरी इस फिल्म में काफी बढ़िया तरीके से उनका यूज किया हुआ उनके किरदार का यूज किया हुआ है जिस तरह से इंटायर फिल्म की कहानी उनके आसपास घूमती रहती है जहाँ पर उनका काम काफ़ी बढ़िया नज़र आता है एक पोएटिक टच उनके किरदार को दिया गया था रितिका सिंह ने इस फिल्म में एक सपोर्टिंग रोल प्ले किया है विजय एंटनी के साथ तो वो रोल भी उनका काफ़ी बढ़िया था एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नजर आते हैं हाँ इस फिल्म की पेस है वो थोड़ी स्लो नजर आ सकती है जिसके चलते सभी चीज़ें थोड़े समय के बाद आपको इरीटेट कर सकती है इनिशियली जिस तरह से एक सिग्निफिकेंट स्क्रीन टाइम आपको देखने को मिलता है इन करेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के वक्त लेकिन उसके बाद में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन फोर्स स्टार्ट होता है चीज़ें धीरे धीरे वे वाकई स्लो हो जाते बहुत ज़्यादा एडिटिंग थी वो फिल्म की बेहतर हो सकती थी कुछ ऐसे सीन्स थे उसको अगर चॉप अप कर देते तो एक्सपीरियंस थोड़ा और बेटर हो सकता था इनिशियल पार्ट में का खास करके सेकंड हाफ के जो इनिशियल पार्ट में चीज़ें डाइवर्जन के तौर पे दिखाई गए मेन स्टोरी से हट के थोड़ा दिखाने की कोशिश की हुई थोड़े फैमिली सीन्स से विजय टर्नी के किरदार के, के, के रिलेटेड दिखाए हुए थे वो सभी चीज़ें फिल्म के ऊपर से फोकस हटाती हुई नजर आते डायरेक्टर ने जिस तरह से फैमिली इमोशंस को इन्फ्यूज़ करने की कोशिश की हुई थी तो वहाँ पे वो फ्लोट आगे <laughs> प्लॉट के हिसाब से बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं लग रहा था चीज़ें हटानी चाहिए थी उसको नहीं रखते तो फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और क्रिस्प हो सकती थी मुरली शर्मा राधिका शारद कुमार जैसे अच्छे एक्टर्स देखने को मिलते है। फिल्म में लेकिन उनका स्क्रीन टाइम भी कम था रोल भी उतने कुछ खास थे नहीं उन्होंने उनका एज एक्टर के तौर पर डायरेक्टर ने प्रॉपर वे में फिल्म में वेस्ट किया हुआ है इसके अलावा मुरली शर्मा का जिस तरह से उनका जो काम था अगर वो थोड़ा बेहतर वे में उस किरदार को डाल देते चीजें और बेहतर हो सकती थी टेक्निकल टीम के ऊपर बातचीत करें तो गिरीश गोपालन जिन्होंने फिल्म का बे गोपाल कृष्णन जिन्होंने बैकग्राउंड स्कोर कंपोज किया हुआ था जहाँ पे सेकंड हाफ में जिस तरह से उनका विजय सुनने को मिलता है वो बढ़िया है रेस्ट्रो स्टाइल में जो म्यूजिक का काम किया हुआ है कुछ सीन्स में वो काफ़ी अच्छा नज़र आता है सिनेमेटोग्राफी शिव कुमार विजयन ने किए हुए जिनकी सिनेमेटोग्राफी की तारीफ की उतनी कम है जिस तरह से दिखाई चीज़ें वो काफ़ी बढ़िया है आर्ट डायरेक्टर्स की भी तारीफ़ करनी पड़ेगी आर्ट डायरेक्शन फिल्म का एक स्पेशल अप्रोज डिजर्व करता है जिस तरह से आर्ट वर्क देखने को मिलते हैं कंप्लीटली एक नया टच देता हुआ नजर आता है फिल्म को जिसके चलते फिल्म पूरी दूसरी जो थ्रिलर फिल्म है क्राइम फिल्म है उससे डिफरेंट होती हुई नजर आते वेफ एक्स फिल्म का थोड़ा बेटर हो सकता था थोड़ा बहुत जो वेफ यूज़ किया है उसको और बेहतर किया जा सकता था प्रोडक्शन वैल्यू नीट थी फिल्म की एडिटिंग थी वो फिल्म में काफ़ी ऐसे सीन्स थे जिसको हटाया जा सकता था डायरेक्टर बालाजी के कुमार ने फिल्म के साथ एक ठीक ठाक काम किया हुआ है उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन पोशंस को अच्छी तरह से हैंडल किया हुआ था अननेसेसरी फैमिली ड्रामा सेकंड हाफ में जिस तरह से डायल्यूट करने के जो प्रोसेस उन्होंने एड की हुई थी वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ देती है ओवरऑल ये फिल्म देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस के साथ दिखाई दिखाए भले सवा दो घंटे की फिल्म है लेकिन उसके बावजूद फिल्म काफ़ी ज़्यादा स्लो पेस से चलती हुई ऐसा नज़र आता है कुछ डिसेंट सीन्स भी देखने को मिलती है लेकिन उसका इम्पेक्ट उतना नहीं रह पाता है क्योंकि फिल्म काफ़ी अल्ट्रा स्लो नज़र आती है कुल मिला के बात करें तो हत्या एक स्लो पेस क्राइम थ्रिलर फिल्म है जहाँ पे ये फिल्म पूरी तरह से विजय एंटनी के परफॉर्मेंस और उनके किरदार के ऊपर डिपेंड करते कुछ इन्वेस्टिगेशन सीन्स है उसको अच्छी तरह से हैंडल किया गया था लेकिन स्लो पेस नरेशन उन सभी चीज़ों को स्पॉइल करता हुआ नजर आता है प्लॉट में जिस तरह से एक डेविएशन देखने को मिलता है सिग्निफिकेंटली खास करके सेकंड हाफ में अनवॉन्टेड फैमिली इमोशंस वो चीज़ें फिल्म को बिगाड़ती है अगर इस फिल्म को आपको देखना है तो कुछ ही इन्वेस्टिगेशन सीन्स है क्राइमिक्स में एक ट्विस्ट देखने को मिलता है वो और एक विजय एंटनी की परफॉर्म मस्त के वजह से देखना चाहते हो तो एक बार देख सकते हो हत्या फिल्म या कहे कोलाई फिल्म को थिएट्रिकली रिलीज़ करवाया गया था तमिल तेलुगु दो वर्जन में इनिशियली पेन इंडिया फिल्म थी लेकर लेटर ऑन इस फिल्म को बाद में चीज़ें चेंज करके हिंदी लैंग्वेज में ही बाद में रिलीज़ करने का फैसला लिया जहाँ पे तमिल तेलुगु वर्ज़न था वो 21 जुलाई दो को रिलीज़ किया जिसके चलते क्रिटिक्स ऑडियंस को इस फिल्म में एक मिक्स रिस्पॉन्स दिया और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म उतनी कुछ खास वर्क नहीं कर पाई जिसको आई पे करीबन पाँच वोट मिले जिसमें पाँच की रेटिंग हासिल हुई थी दस में से इस फिल्म के जो ओ राइट्स थे वो अमेजोन प्राइम वीडियो के पास थे तमिल और तेलुगू वर्जन के लिए फिल्म के हिंदी वर्जन के जो राइट्स हिंदी डब वर्जन के राइट्स थे वो खरीदे हुए थे आर के दुगल स्टूडियोज वालों ने जिन्होंने इस फिल्म को हत्या नाम के साथ डब करवाया हुआ है और ये फिल्म अभी फिलहाल में अगर आपको ऑफिशियली देखने तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो के ऊपर कोलाए और हत्या नाम के साथ तमिल तेलुगू वर्जन में विथ इंग्लिश सब टाइटल विथ सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगी वहीं पे फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है वो आपको आने वाले समय में हत्या नाम के साथ सेटेलाइट चैनल के ऊपर

प्रीमियर होती हुई नजर आएगी उसके बाद में आर के दुगल स्टूडियोज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर विध इंग्लिश सब बिल्कुल फ्री में प्रीमियर होती हुई नजर आएगी तो इस तरह से कोलाई या हत्या फिल्म को आप ऑफिशियली तमिल तेलुगू और हिंदी वर्जन में इंजॉय कर पाओगे तो बस गाय स्कोलाई या हत्या फिल्म के ऊपर जो भी इंटरेस्टिंग फैक्ट थे जो बातें थे वो मैंने शेयर कर दिए फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मिंग के ऊपर एक डिटेलिंग दी हुई है फिल्म का एक डीप रिव्यू किया हुआ है जहाँ पे मैंने इस फिल्म की कहानी के ऊपर एक चर्चा एक्सप्लेनेशन एनालिसिस करके दे दी है फिल्म का, के स्टार का सपोर्टिंग कास्ट की परफॉर्मेंस इसके बारे में बातचीत की हुई है म्यूजिक डिपार्टमेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट के ऊपर भी एक जानकारी दे दी है तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा थैंक यू